Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati amalina. Man yahdihillahu falamudillala wa man yudlil falahadiyala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqa al-hadithi kitabullah wa khayra al-hadithi muhammadin. صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. मैं आप सब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का इस्तकबाल करता हूँ और हम आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे अपना दर्स कंटिन्यू कर रहे हैं और वो है रमजान के मसाइल. मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रमजान तो गुजर रहा है, इल्म के साथ हो बगैर इल्म के हो, अभी तो रमदान तो एंटर हो ही गए. तो होता यह है कि बहुत सारे लोग जब नहीं जानते हैं तो कई सारे चीजों में अननेसेसरी परेशान होते हैं, अननेसेसरी घबराते रहते हैं. और बहुत सारे लोगों का मामला ऐसा होता है कि वो लोग गलतियां करते हैं, ऐसी सिंपल सी गलतियां जिससे बचना बहुत आसान था, बहुत आसान था. सिर्फ इंफॉर्मेशन की कमी, सिर्फ ये मसला है कि काश के पता होता तो उनके लिए बहुत आसान होता. हाँ, सिर्फ पता होने का मसला होता है उनके लिए. तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारे पास आज मौका है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम आज ये मसाइल में अल्हम्दुलिल्लाह मिडवे पहुंच चुके हैं. अभी हमारे पास आधे हम देखेंगे रोजे में क्या करना जायज है और क्या करना जायज नहीं. यहां से आज की हमारी शुरुआत होगी और हम थोड़ा सा सारे मसाइल कुछ थोड़े क्विक एंड शॉर्ट तरीके से देखने की कोशिश करेंगे. तो रोजे में क्या करना जायज है, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये एक बहुत अहम मसला है कि अगर रोजे की शुरुआत में एक इंसान जनाबत के हालत में है, यानी कि उसके लिए गुसल करना लाजिम है, तो उस हालत में क्या वो रोजा शुरू कर सकता है, क्या वो रोजा शुरू कर सकता है? तो मैं आपसे पूछूंगा, क्या उस हालत में नमाज पढ़ना शुरू कर सकता है? नहीं, जनाबत के हालत में नमाज नहीं होती, लेकिन रोजा शुरू हो सकता है जनाबत की हालत में. तो हम देखते हैं कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती अन्ना रजुलन जा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, यस्तफ्ती, फतवा पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए. वही अतस्माउ में वराए बाब, और वो सुन रही थी दरवाजे के पीछे से. आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की आदत थी कि वो सवालों के जवाब जब डिस्कशन होते हैं तो वो सुनती दरवाजे के पीछे से. فقال يا رسول الله, तो उसने कहा, आदमी ने कहा, تدركني الصلاة وانا جنب فاصوم. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा हो जाता है कि नमाज का वक्त आ जाता है, यानी फजर का वक्त आ जाता है, और मैं जनाबत की हालत में होता हूं और मैं अपना रोजा शुरू कर देता हूं इस हालत में. अब सुनिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे जवाब दिया. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, وانا تدركني الصلاة وانا جنب فاصوم, मतलब मेरे साथ भी ऐसा होता है कि नमाज का वक्त आ जाता है और मैं जनाबत के हालत में होता हूं और फिर मैं रोजा रखता हूं. मतलब कि उस वक्त पर ऐसा हुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात बता दी गलत नहीं, क्योंकि वही हमारे लिए उसवा और नमूना एग्जाम्पल है. क्या हो सकता है कि फजर का वक्त आया, कोई इंसान जनाबत की हालत में है और अभी बस जल्दी से गुसल लेंगे, गुसल लेकर नमाज पढ़ने जाएंगे, और बाज़ लोग बहुत ब्यूटी बात में बिलीव करते हैं, उनका नहाना यानी आधे घंटे से कम नहीं होता है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत कम पानी में नहाते थे. आपने देखा कि कितने कम पानी में नहाते थे. हाँ, तो कितना पानी अप्रोक्सीमेटली, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसके बारे में बहुत डिटेल मिलती है, कितने फाइव सा तक पानी होता था शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बहुत कम पानी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा गुस्ल ले लिया करते. तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये बात मिसाल के जरिए बताई. क्या बताई? कि जनाबत के हालत में रोजा शुरू हो सकता है, और ये बात हमें दलील मिल रही है. और मैं पूछना चाहता हूं, ये मसला बहनों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कब? अभी बहनों के लिए भी मसला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास तौर से जब मान लीजिए हैज खत्म हो गया, अब उन्होंने गुसल नहीं किया है, तो नमाज पढ़ने के लिए तो गुसल करना होगा. हाँ, नमाज पढ़ने के लिए गुसल करना होगा, और इसके लिए रोजा शुरू करने के लिए गुसल किए बगैर भी वो रोजा शुरू कर सकती हैं. और उसके बाद जाहिर सी बात है फजर की नमाज पढ़नी है तो गुसल तो करना होगा, बस थोड़ा सा गैप है, लेकिन रोजा शुरू हो जाएगा क्या? रोजा छूट जाएगा क्या?
अगर अगर सहरी के वक्त तक गुसल नहीं किए हैं तो रोजा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं, मतलब रोजे की शुरुआत हो सकती है जनाबत के हालत में भी। और हम देखते हैं खुद अल्लाह सुबहान व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही हमारे लिए उसवा बनाया। कैसा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं खुद सहरी को वक्त पाता हूँ और सहरी का वक्त पाता हूँ और मैं जनाबत के हालत में होता हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह। व्हाट इज जनाबत? ओके, अच्छा मैं आप सबको बता दूं कि मैंने क्वेश्चन आंसर्स का ये स्क्रीन, आप क्वेश्चन आंसर्स में पूछिए जो क्वेश्चन है। जनाबत क्या है? वेरी गुड, आपने पूछ लिया क्योंकि पूरा डिस्कशन हो रहा है। देखिए कुछ चीजें होती हैं जिससे जनाबत की हालत में एक इंसान हो जाता है, जैसे कि एहतलाम होना यानी मनी खारिज होना, या मियाँ बीवी के ताल्लुकात, तो उसके अंदर, या मान लीजिए जैसे कोई औरत के लिए भी हैज से जब वो पाक होती है तो उसे गुसल करना होता है। तो हम देखते हैं कि जनाबत की के हालत के ताल्लुक से खास तौर से एहतलाम और मियाँ बीवी के ताल्लुकात यानी के लिए है ये, और उसके बाद में एक गुसल करना लाजिम होता है उसके बाद। हाँ इंशाल्लाह, ठीक है, जस्ट वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड, तो रोजे के अंदर क्या करना जायज है, मैं थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाता हूँ, मेरी थोड़ा स्लो स्टार्ट हुआ है। अन अब्दुल्लाह बिन अबी उस्मान قال رأيت ابن عمر وهو صائم يبل الثوب يبل الثوب تابعی عبداللہ بن ابی عثمان وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ اپنے کپڑے کو گیلا کرتے ہیں ثم یلقیہ علیہ اور پھر وہ اپنے کپڑے کو اپنے اوپر ڈالتے تو یعنی کہ کیا روزے کے حالت میں کوئی گیلا کپڑا لے کر اپنے اوپر ڈالنا جائز ہے؟ جائز ہے کیا کوئی کوئی گیلا کپڑا لے کر جیسے کہ لطف لے رہا ہے وہ چیز کا؟ تو ہاں جائز ہے، ہاں روزے کے حالت میں جائز ہے کہ کوئی گیلا کپڑا اپنے اوپر ڈالے یا نہا لے، ہاں تو نہانا بھی جائز ہے اور اس طرح کا کوئی گیلا کپڑا اپنے اوپر لانا بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ۔ اور نہانے کے تعلق سے لے ایک اور حدیث بخاری میں یہ تعلیقاً ہے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان لی ابزنا، میرے پاس ایک حوض تھا جیسے پول قسم کا، اتقاہم فیہ وانا صائم، میں اس میں داخل ہوتا اور میں روزے کے حالت میں ہوتا، تو کیا کوئی سوئمنگ کر سکتا ہے روزے کے حالت میں؟ اگر یہ ڈر نہیں ہے کہ وہ پانی پی جائے گا، جیسے بعض لوگ جب سوئمنگ میں ایکسپیرینس نہیں ہوتے ہیں تو وہ لوگ نگل جاتے ہیں پانی، ہاں تو اگر ایسا معاملہ ہے کہ پانی نگل نہیں جائے گا تو الگ بات ہے، بس ویسے یہ تو ایک چھوٹا حوض قسم کا ہے، پول کی بات ہو رہی ہے، ایک پول میں وہ داخل ہوتے اور روزے کے حالت میں، تو یعنی ایسا جائز ہے، نہانا بھی جائز ہے جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور سوئمنگ کے اندر اگر پانی پی جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے روزہ ٹوٹ جائے گا، ہاں تو اس کے اندر ہم چیز یہ دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک سوال ہے کہ جنابت کے حالت میں روزہ شروع کرنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے روزہ کے لیے آپ کو وضو کرنا پڑے گا، ارے وضو نہیں کیا تھا میں، روزہ نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے، آپ وضو کریں گے تو الگ بات ہے، وہ ٹاپک روزے سے کنیکٹڈ ہی نہیں۔ جب جنابت کی حالت میں روزہ شروع ہو سکتا ہے تو وضو کرنا کیسے لازم ہے نا؟ نیکسٹ، کنگھی اور تیل کرنا، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ایک دم بکھرے بکھرے بال، جیسے کوئی پوچھے ارے بھائی کیا حال ہے، کیا بولے روزہ رکھا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قال ابن مسعود کا قول ہے، اذا کان یوم صوم احدکم، جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے، فلیصبح دہینا مترجلا، تو اسے چاہیے کہ شروع کرے اس حالت میں، دن شروع کرے کہ کنگھی کیا ہوا ہو اور تیل لگایا ہوا ہو، دہینن مترجلن یعنی کہ کنگھی کیا ہوا، مطلب نیچن کلین رہے، ابن مسعود کہہ رہے مطلب آرگنائز دکھے، ایسے نہیں کہ روزے سے ہو تو کچھ الگ ہی بہت برا حال دکھ رہا ہے، یہ بہت ہم لوگ اچھی بات نہیں ہے، یعنی کہ ہم مسلمانوں کا اسلام کا ایسا پریزنٹیشن کریں کہ مسلمان جب روزہ رکھتے ہیں نا تو ایسا ہوتا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے آبویسلی۔ ہاں چلیے نیکسٹ، اور کیا کرنا جائز ہے؟ کیا کلی کرنا جائز ہے؟ کیا ناک میں پانی ڈالنا جائز ہے؟ تو یس کلی کر سکتے ہیں، آپ یہ حدیث دیکھیے، یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، حدیث کی سند صحیح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبغ الوضو، وضو اچھی طرح سے کرو، وخلل بین الاصابع، اپنی انگلیوں کے بیچ میں خلال کرو، انگلیوں کے بیچ میں خلال کرو، وبالغ فی الاستنشاق، اور ناک میں پانی ڈالنے میں اچھی طرح سے پانی ڈال کے نکالو، رائٹ ہینڈ سے ڈالتے ہیں لیفٹ ہینڈ سے نکالتے ہیں، وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، سوائے یہ جب تم روزے سے ہو، جب روزے سے ہو تو تبھی بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے ناک میں جو پانی جاتا ہے وہ حلق میں بھی آتا ہے، تو بالغ فی الاستنشاق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الا ان تکون صائما، سوائے جب تم روزے سے ہوتے ہو،
तो तब क्या करो, तब क्या करो, थोड़ा इतना ज्यादा मत डालो, मतलब डालेंगे लेकिन थोड़ा हल्का डालेंगे, समझ गए आप लोग, कुल्ली तो कर सकते हैं लेकिन नाक में पानी हल्का डालेंगे, एकदम थरली, एकदम अच्छी बेहतरीन तरीके से, जैसे आमतौर पर जब रोजे से नहीं है तब अच्छी तरह से बालिग फिर इस्तिंजा करना है, वैसे नहीं करेंगे, हाँ इंशाल्लाह ठीक है। नोज में ड्रॉप्स डाल सकते हैं क्या? देखिए कोई भी चीज जो जिसके अंदर ये हलक में आता है टेस्ट उसका, तो कोई चीज अगर नेसेसरी है तो कर सकते हैं, उसका अगर कोई नेसेसरी मेडिकल रीजन है तो कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए, लेकिन जो गिजा बनने का चांस है, और ये जो नेजल ड्रॉप्स है ये गिजा एक तरह से पेट में जा रहे हैं, फिर भी मैं इसका और डिटेल में इंशाल्लाह चेक करके बताता हूं। और कुछ अगला सवाल, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं रोजे की हालत में? डायबिटीज के लिए घर में टेस्ट करना है तो देखिए, जो चीज की मेडिकल रीजन हो, अगर ऐसा नहीं है कि कोई शख्स हार्म हो जाएगा, तकलीफ होगी उसके लिए, तो अगर तकलीफ है तो फिर वो चीज जिससे वीकनेस आ सकती है तो वो वीकनेस के रीजन से, लेकिन ब्लड टेस्ट करने की वजह से कोई उसका रोजा टूट नहीं जाएगा, रोजा टूट नहीं जाएगा। बाकी अल्लाह आलम, हम इंशाल्लाह इसको भी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं ठीक है। सर मैं इंजेक्शन लगवा सकते हैं? जी एक सेकेंड में देख रहा हूँ, एक सेकेंड है, इंजेक्शन लगा सकते हैं। देखिए इंजेक्शन के अंदर कुछ होते हैं जिसके अंदर गिजा है, मतलब गिजा का मतलब नरिशमेंट है, तो जो चीज के अंदर नरिशमेंट है वैसे इंजेक्शन ही लगा सकते हैं, लेकिन मेडिसिनल है जो लेना जरूरी है मेडिकल रीजन से, वही रोजे के टाइमिंग में ही लेना जरूरी है तो फिर ले सकते हैं। स्कॉलर्स ने इसकी इजाजत दी है, इसके फतवे आपको मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं। ओके अच्छा, नेजल ड्रॉप्स का मैं आपको एक बात वाजे कर दूं कि शेख बिन बाज का एक फतवा है, उन्होंने कहा है कि आई के ड्रॉप्स को या ईयर के ड्रॉप्स को, दोनों में सेम रूलिंग है। क्या है कि वो रोजा तो नहीं तोड़ते, रोजा तो नहीं तोड़ते, तो लेकिन इसके अंदर वो कहते हैं कि अगर अगर कोई कर लिया है तो उसका उसका अगर टेस्ट आया है हलक में, हलक में टेस्ट आया है, तो शेख बिन बाज का फतवा ये है कि उसे रोजा सेफ साइड पर मेकअप कर लेना चाहिए, मतलब कि सेफ साइड पर, और इसके अंदर अगर बहुत थोड़ा अमाउंट है जो हलक तक नहीं पहुंचने वाला है, हलक तक नहीं पहुंचने, बहुत थोड़ा है तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर हलक तक पहुंच रहा है तो फिर रोजा उससे टूट सकता है, हाँ रोजा उससे टूट सकता है। तो लेट्स, ये हदीस इसकी, इसके ताल्लुक से दलील में वो भी यही हदीस कह रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगली चीज, मिसवाक करना या फिर ब्रश करना, हाँ ब्रश करना, मिसवाक करना, ये कैसा है? हाँ मिसवाक करना है, ब्रश करना कैसा है? यस्ताकू अव्वल नहार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं उनके बारे में, यस्ताकू अव्वल नहार व आखिरहू वला यबलाऊ रीकहू, वो दिन के शुरू में और आखिर में मिसवाक करते थे, और मिसवाक जब करते हैं तो जो थूक जमा हो जाती है उसे निगल नहीं जाते, थूक को नहीं निगलते, यानी थूक को थूकते, लेकिन वो मिसवाक किया करते थे। तो जिस तरह से मिसवाक का एक टेस्ट है, मिसवाक का एक टेस्ट होता है, उसी तरह टूथपेस्ट में भी कुछ ना कुछ टेस्ट होता है। और बाज लोग ये समझते हैं कि रोजे में ब्रश कर नहीं सकते हैं क्योंकि रोजेदार के मुंह से बू जो आती है वो अल्लाह को मुझ की खुशबू से ज्यादा पसंद है। इसका मतलब ये नहीं है कि रोजेदार को मुंह में बू पैदा करनी, हाँ मुंह में बू पैदा करनी, ऐसा नहीं, ये बात को हम क्लियर है। एक है कि खाली पेट जब होता है तो पेट की वजह से ही एक स्मेल जैसे कि आ जाती है, हाँ जैसे कि आ जाती है, तो हम ये देख रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि अल्लाह को रोजेदार के मुंह से जाने वाली स्मेल मुश से ज्यादा पसंद है, उसका मतलब ये नहीं कि हमें ब्रश नहीं करके वो स्मेल जैसे कि पैदा करना है। क्योंकि आप बताओ, अब्दुल्लाह इब्न उमर के बारे में जब ये अमल आ रहा है कि वो मिसवाक करते, तो मिसवाक करने से तो मुंह की स्मेल कम होगी कि बढ़ेगी? कम होगी ना, जाहिर सी बात है ना। लेकिन बात समझिए, आप अच्छे से ब्रश करेंगे तो भी वो पेट से, जो एक रोजेदार का पेट खाली है, पेट से एक स्मेल आने का चांस होता है, हल्की सी स्मेल होती है, अल्लाह को वो मुश्क से ज्यादा पसंद है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें ब्रश नहीं करके वो और स्मेल पैदा करना है, वैसा नहीं है। ब्रश करिए, मिसवाक करिए, उसमें कोई हर्ज नहीं। बाज लोग इसमें हर्ज समझते हैं, लेकिन स्कॉलर्स के फतवे इस बारे में मौजूद है। ओके आगे मैं कंप्लीट कर लेता हूँ थूक निगलने के बारे में, क्योंकि एक सवाल जो आता है ना यहाँ पे जो आया
कि थूक निकलते नहीं। तो आप देखिए कतादा रहमहुल्लाह कहते हैं, ताबई है मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में, ये उनका कौल है, ला बासा कि अगर वो थूक निकल गया तो कोई हर्ज नहीं, अगर थूक ही है आपकी, अगर निकल गया तो कोई हर्ज नहीं। हाँ, तो ये बात को हम देख रहे हैं कि थूक निकलने के ताल्लुक से हमें ये बात मिल गई है। ठीक है, अगला सवाल, अगली बात हम देखते हैं कि औरतों का एक बहुत बड़ा मसला होता है, और अक्सर ये होता है कि खाना जब पकाती हैं तो टेस्ट नहीं कर सकती हैं, वो टेस्ट नहीं कर सकती हैं। तो रोजे के अंदर जब पकाती हैं तो अक्सर ये लोगों में ये होता है, बोले नमक कम है, अरे वो रोजा रखी हुई है ना इसलिए नमक कम है, या फिर ऐसा हो गया क्योंकि रोजे से थी। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर ये हदीस मौजूद है, शेख अल्बानी ने इसे कहा है कि सही सनद से है, इब्न अब्बास का कौल है, सहाबी रसूल। देखो क्या होता है फतवा वगैरह में, ओपिनियन में भी आज के दौर के लोगों की जगह क्यों ना हम देखें कि सहाबा ताबईन से क्या अक़वाल मिलते हैं। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा ला बासा अन यतत्तअम अस्सौइम अनिल क़द्र। अब ये बात को जरा समझिए, अधूरी बात मत प्लीज समझिएगा। वो कहते हैं कि हांडी में से अगर थोड़ा चख ले, चखने का मतलब क्या है, चखने का मतलब ये नहीं है चम्मच लेके मुंह में डाल के मैं जरा चख रहा हूं, ये नहीं है मतलब। देखिए क्या होता है, समझिए कि अगर आप अपनी टंग के ऊपर एक अगर कुछ रखे टच करें तो टंग जो है, हमारी जो जुबान जो है वो जायका समझ जाती है, उसके लिए हलक में जाएगा तो जायका समझ में आएगा, ऐसा नहीं है, जरा समझ लीजिए बात। जो जुबान पर अगर कोई एक डॉट अगर डालता है और आप कुल्ली कर लो, आप कुल्ली कर लो, लेकिन इससे जुबान को मालूम पड़ जाता है, हलक में नहीं गया, जुबान को मालूम पड़ जाता है कि सॉल्टी है नहीं। तो इब्न अब्बास ने इस चीज की इजाजत दी, इजाजत से कोई ये ना समझे कि एक आध चम्मच खा ले, अरे मैं तो ये तो मैं जरा टेस्टिंग कर रहा हूं, प्लीज हम लोगों को इस बारे में केयरफुल रहना चाहिए। लेकिन इतनी गुंजाइश है कि किसी को अगर ऐसा टेस्ट करना है, एक डॉट थोड़ा सा जुबान पे टच किया, टेस्ट मालूम पड़ गया, कुल्ली कर लिया, आपको टेस्ट मालूम पड़ गया कि ये सॉल्टी सॉल्टी ज्यादा तो नहीं हो गया। हाँ इंशाल्लाह, चलिए ठीक है, नेक्स्ट मैं आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट ये यहाँ पे हमने गर्मी से सर पर पानी डालना, कि बहुत गर्मी लग रही है सर पे पानी डाले तो डाल सकते हैं कि नहीं, नहीं डाल सकते। नबी बकर बिन अब्दुर्रहमान अन बादी अस्हाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाद सहाबा से हमें मिलता है, अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान बयान कर रहे हैं, ताबई हैं। तो काला लकद रायतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा ने बयान किया कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल अर्जी यसुब अला रासिहि अलमा वा हुवा सायमुन मिन अलअतशी औ मिन अलहर्री, कि मैंने देखा कि अर्ज मुकाम पर, ये अर्ज जगह पर मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्मी की वजह से अपने सर पर पानी डाल रहे थे, या तो गर्मी की वजह से या तो प्यास की वजह से, मतलब जो रेगिस्तान में रोजा रख रहा है, एसी वाले टाइम्स नहीं थे तो उसके अंदर गर्मी की वजह से, प्यास की वजह से सर पे कोई पानी डाले, डाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं इंशाल्लाह, हाँ डाल सकते हैं। अन्नहु काना, अगली चीज सूरमा क्या लगा सकते हैं, अब यहाँ पे आई ड्रॉप्स इससे कनेक्ट होते हैं। अन्नहु काना यक्तहिलु वह हुआ सौइमुन, अन्नस सद्दलाओं के बारे में आता है कि वो सूरमा लगाते और वो रोजे के हाल से होते, तो सूरमा लगा सकते हैं। लेकिन जैसे शेख बिन बाज ने इसके अंदर ये कहा कि कुछ अगर आई ड्रॉप्स अगर इस तरह से है कि हलक तक पहुंचने का मामला है, और कभी ऐसा देखा जाता है, तो वो तो इन्होंने इस बारे में कॉशन का एक व्यू लिया है शेख बिन बाज रहमहुल्लाह ने, कि उन्होंने कहा कि फिर एहतियात के तौर पर जब हलक में टेस्ट आ गया तो आपका रोजा टूट गया, और एहतियात के तौर पर रोजा रख देना चाहिए, मतलब कन्फर्म भी नहीं है कि रख देना चाहिए, लेकिन पता ही चला कि बहुत हल्की सी चीज है, जैसे सूरमा, सूरमा का टेस्ट नहीं आता तो लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, अल्लाह आलम, अल्लाह नोज बेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरमा लगाने के ताल्लुक से अगर हम थोड़ा डिटेल जानना चाहते हैं तो डिटेल के अंदर इसमें भी इख्तलाफ है एक्चुअली, और ये इख्तलाफ जब होते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग ये लगता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है अल्लाह सुभान व तआला ने इस दीन का प्रूफ रखा है, ये दीन वो दीन है जिसके अंदर दलाइल की रोशनी में बात होती है। तो इमाम शाफी और अक्सर अहनाफ उनके नजदीक सूरमा लगाना जायज है, ये ऊपर वाली हदीस दलील है, और कोई चीज हर चीज जायज है जब तक मना ना हो जाए। बाज लोगों ने कहा, बाज उलमा ने, इमाम अहमद, इसहाक, ये सब ने कहा कि रोजे के हालत में सूरमा लगाना मकरूह मकरूह है, और उनकी दलील ये हदीस है, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु अमरा बिल इस्म दिल मुरवही,
इस्मिद अल मुरव्वह, जो इस्मिद जो सूरमा की क्वालिटी इस्मिद इस्मिद, तो इन द नाउम वकाला लियतकी ही सौइम, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत है कि रोजेदार इस चीज से डरे। तो ये हदीस के ताल्लुक से हम ये देखते हैं कि ये हदीस सनदन एक्चुअली ज़ईफ़ है, और इसी वजह से एक मिनट रुकिए, हसन मौकूफ, मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर से यह हदीस साबित नहीं है, मौकूफन हसन है। हाँ, मौकूफन हसन है, यानी मौकूफ का मतलब क्या है, मौकूफ का मतलब क्या है, सहाबी तक, सहाबी तक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको ये जो बात बताया इसमें क्यों इंटरेस्टिंग है कि ये ज्यादा दलील की रोशनी में इमाम शाफी और इमाम जो हनफियों का जो और शाफियों का जो मसलक है इसमें दलील की रोशनी में ज्यादा मजबूत बात दिख रही है, लेकिन इमाम अहमद यानी हम्बली जिस तरफ गए हैं तो ये जिस हदीस पे डिपेंड है वो हदीस की रोशनी में ये कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन ये सनदन ज़ईफ है, साबित नहीं है, क्योंकि ये कॉल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉल के तौर पे नरेट किया जा रहा है, सहाबी के कॉल के तौर पे नहीं बताया जा रहा है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉल के तौर पे हदीस ज़ईफ है। हाँ, ये बात को याद रखेंगे। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बात यहाँ पे हनफी शाफी की दिख रही है, सुरमा लगा सकते हैं इंशाल्लाह, और इसी से एक्चुअली वो जो क्योंकि इमाम शेख बिन बाज भी जो हम्बली फिक्र के मसाइल का अक्सर उनकी तरफ से हमें मिलते हैं, और इसमें हर्ज नहीं, कोई भी फिक्र के मसाइल बयान करने में हर्ज नहीं। हर्ज कहाँ है, जहां पर दलील आने के बावजूद जब कोई बाज लोग कहते हैं ना अरे हम तो हनफी हम तो शाफी है, तो नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। सब हमारे ही उलमा, शेख बिन बाज या शेख इमाम अहमद बिन हम्बल या जितने उलमा इकराम गुजरे हैं हर जमाने और दौर के, सब हमारे हैं, जिसके पास प्रूफ है हम ले लेंगे, क्योंकि हमें इत्तबा पैरवी करनी किसकी, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है ना, इंशाल्लाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिजामा, क्या हिजामा से रोजा टूटता है, तो आपको ये हदीस मिलेगी, हदीस सही है, लेकिन ये एक दौर में ये हदीस मौकूफ है, हाँ सॉरी, ये हदीस मनसूख है, मनसूख। ओके, अफ्तर अल हाजिम वल महजूम, जो हिजामा करने वाला और जिसका हिजामा किया जाए, फाइल और मफूल दोनों दिया है, हाजिम वल महजूम और जो मफूल है यानी कि महजूम जिसका हिजामा किया जाए, दोनों का रोजा टूट जाता है। लेकिन ये पहले के दौर की बात थी, बात किया कोई और हदीस ये मिलेगी, अन अबी सईद काला रखसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजामा लिस्सौइम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजेदार के लिए हिजामा करने की रुखसत दी। रुखसत दी से मुराद क्या है, कि मना था अब रुखसत दी। तो ये एक ये हदीस सही सनद से है, और ये हदीस दलील है कि रोजे के हालत में हिजामा की जा सकती है। इस बारे में भी स्कॉलर्स में इख्तलाफ है, जैसे इमाम अहमद का यहाँ पे भी मौकिफ है कि रोजे के हालत में हिजामा करने से रोजा टूट जाता है, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बात यहाँ पे भी हनफी शाफी मालिकी इमाम शेख अल्बानी ये सब ने जो बयान किया है कि हिजामा से रोजा टूट जाता है, हिजामा से रोजा टूट जाता है, इसके ताल्लुक से सारी हदीसें मनसूख है। ये मसला कहाँ पे कनेक्ट होता है, जो किसी ने जो इसका सवाल पूछा था ना, क्या था, ब्लड टेस्ट का, क्योंकि हिजामा में भी ब्लड निकलता है, तो आपको स्कॉलर्स में इख्तलाफ दिखेगा। देखो, आप सब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से भी मसला मत समझो, आप मेथोडोलॉजी समझो, ऐसे इख्तलाफ होते हैं स्कॉलर्स में, और इसमें मुझे ये चीज में बहुत खुशी मिलती है जब मैं स्कॉलर्स के ओपिनियंस पढ़ता हूँ, और अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे उसमें दलील समझ में आ जाए कि किसकी बात ज्यादा मजबूत है उलमा इकराम में। अपनी तरफ से इस्तेलाल नहीं कर रहे हैं, स्कॉलर्स में देख रहे हैं। तो स्कॉलर्स के अंदर अगर आप देखेंगे कि ये रखसा वाली जो हदीस है, रुखसत दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा रोजे के हालत में किया कराया, इसकी दलील आपको इसकी भी हदीस मिलेगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा कराया, तो इस मौजू में इस रोशनी में क्या देखेंगे कि यहाँ पे इमाम अहमद बिन हम्बल बहुत बड़े आलिम है, बहुत रिस्पेक्टेड आलिम है, इसमें कोई शक नहीं, आखिर में तो इंसान है ना, उनसे कहीं भूल हो ही सकती है ना, इंसानों के साथ ऐसे ही तो होता है ना, आप हमें भी इंसान है, तो हमें मालूम है इंसानों के साथ ऐसे होता है कि कभी मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पे जो दूसरे उलमा दूसरी तरफ है उनके पास दलील मजबूत है, तो यहाँ पे ब्लड टेस्ट के लिए कोई अगर निकाल दे तो रोजा टूटेगा नहीं, हाँ टूटेगा नहीं, लेकिन अगर वीक हो जाएगा आदमी, कमजोर हो जाएगा, तो फिर इन दैट केस कमजोरी के एंगल से नहीं करना चाहिए, लेकिन रोजा टूट जाएगा वो एंगल नहीं। आप लोग उम्मीद कर रहा हूं मैं कि आप लोग समझ रहे हैं बात। तो उसी तरह ये जो नेजल ड्रॉप्स में भी है ना, यहाँ पे मैं आपको ये बात भी बता दूं, सूरमा लगाना और जो आई ड्रॉप्स के अंदर जो शेख बिन बाज का फतवा मैंने बताया, वो क्योंकि इमाम अहमद इस तरफ है और हम्बली फिक्का डोमिनेंस रहता है शेख बिन बाज के फतावों में अक्सर, अल्लाह आलम,
तो हम यकीनन वो सलफ के मनज पे, इस पर कोई शक नहीं, और उन्होंने कई मसाइल बयान की जहां वो हम्बली फिक के कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं, हम्बली फिक के खिलाफ उन्होंने बयान किया, क्योंकि वो हठधर्मी वाली वो मामला नहीं था उनमें। हाँ, लेकिन क्योंकि अक्सर वो फिक जब राइज है वहां पर और वो फिक की रोशनी में जब वो बयान कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनका मौकिफ भी उसी चीज के करीब जा रहा है कि सूरमा लगाना मकरूह है, उसी चीज के करीब जाता दिख रहा है, बाकी अल्लाह वाला। हाँ, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप सबको क्या बता रहा हूं, जिंदगी है भाई, एग्जाम चल रहा है, ये एग्जाम में होता है कि टेस्ट लिया जाता है, सही जवाब चुनो, होता है ना एग्जाम में। अब एक तो वो शख्स है जो कोई दूसरे मजहब में पैदा हुआ, उसको तो सिलेक्ट कर करके इस्लाम तक आना है, इस्लाम तक अगर कोई है, कोई इस्लाम में बॉर्न हुआ, उसको भी उलमा में देखना है कि कौन सही मनहज वाले उलमा है, मतलब तौहीद कौन सिखाता है, इत्तेबा सुन्नत कौन सिखाता है, कौन सिखाता है सही हदीस पे चलो, ज़ईफ मौज़ू हदीस पे मत चलो, कौन सिखाता है कि सब उलमा को रिस्पेक्ट करो लेकिन कुरान और हदीस की बात के ऊपर किसी आलिम की बात को मत रखो, मतलब मुसलमान अगर आप है ना तो उसके बाद भी इम्तिहान है, सही जवाब चुनो। अब आप सही मनहज वाले उलमा तक भी आ गए, उसके बाद भी दलाइल की रोशनी में मसाइल में स्टडी करना होता है। कुरान में ये बात दी गई है, वल्लदीना जाहदू फीना, अल्लाह ताला ने फरमाया जो मेरे रास्ते में जद्दोजहद करते हैं, लनहदियन्नहुम सुबुलना, मैं अपने रास्तों की हिदायत उन्हें देता हूँ। किसे हिदायत देता है? अल्लाह ताला। जो बैठे रहते हैं नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोशिश करो, स्टडी करो, स्ट्रगल करो। अच्छा, एक बात ये भी बताऊं कि कोई अगर ये कहे कि नहीं मेरा ये मौकफ है, मुझे इमाम अहमद बिन हम्बल का मौकफ सही लग रहा है, कोई अगर ये कहे यहाँ पर कि नहीं हमारे नजदीक रोजा टूट जाता है, तो हम कहते हैं कि ये मसले में टॉलरेंस भी है, रवादारी। मैं दलील आपके साथ शेयर करूंगा कि देखो ये रखसा वाली हदीस देखो, रुखसत दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली हदीस देखो, सही सनद से हदीस ये है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिजामा कराया, ये हदीस देखो, मैं कहूंगा, लेकिन उसके बाद रवादारी टॉलरेंस होनी चाहिए, मतलब बर्दाश्त करो सामने वाले को, ये मत कहो अरे ये मेरी बात नहीं मान रहा है ये तो काफिर है, औज़ु बिल्लाह, ये भी गलत। मतलब क्या है ना, याद रखो, एक शॉर्ट बात बोल देता हूँ कि एक तरफ आपको जिंदगी में ऐसे मिलेगा ट्रुथ, ट्रुथ यानी सच्चाई क्या है, तो सच्चाई भी हमें मालूम करना है और साथ साथ में थोड़ा सा दूसरों को बर्दाश्त भी करना है। हा? अब कोई कहे नहीं ये लोग नहीं मानते ना, ये लोग सब ऐसे, भाई ये भी मुसलमान है, वो भी दलील की रोशनी में कर रहे हैं, कभी ऐसे मसले में उनके नजदीक ऐसा हुआ तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब रखो, अपनी दलील बताओ, फतवे मत लगा लोगों पर। हाँ, क्योंकि हो सकता है कि कोई शख्स ने पूरी कोशिश की सही हक बात तक पहुंचने तक, और उसको यही बात सही लग रही है, वो कर रहा है, अभी तक उसको पता नहीं है कि बात में मिस्टेक है, यहाँ पे ये दलील ज्यादा स्ट्रांग है, थोड़ा सा पेशेंस रखना। बाज लोग उसमें मतलब बहुत रेडिकल होते हैं, तो हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन में टॉपिक कवर किया, तकफीर का टॉपिक। हाँ, वो भी। चलो अगला सवाल है कि हस्बैंड वाइफ क्या बोसा दे सकते हैं, क्या उससे रोजा टूट जाता है या रोजा मकरूह कम से कम हो जाता है? तो आइए देखते हैं। जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि एक बार उमर अदलाओं के उमर अदला बयान करते हैं, अब सुनिए उमर अदलाओं बयान करते हैं, हशश तू फकबल तू वना सौमुन, वो आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या हो गया, कहा कि मैं थोड़ा सा हशिशतु का मतलब थोड़ा मैं एक्साइटेड हो गया था और मैंने अपनी बीवी को बोसा दे दिया, किस किस कर लिया रोजे की हालत में। तो फकुल्तु या रसूलल्लाह सनातुल यौम अमरन अजीमन कबल्तु वाना सौइमुन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा मैंने बहुत बड़ा बुरा बहुत गलत चीज कर ली है, मैंने अपनी बीवी को रोजे की हालत में गुस्सा दे दिया। काला अरायता लव मद मत्ता मिनल मा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर तुम कुल्ली कर लेते थे, कुल्ली तो कैसा था, वंता सौइमुन रोजे की हालत में कुल्ली कर लेते। तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कुल्तु लाबास, नहीं कुल्ली करने से तो कुछ नहीं होता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा काला फमा, तो कहा कि रोजे में ये भी करने से कुछ नहीं होता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल से समझाया। तो ये चीज बताई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन इसमें हम और डिटेल भी देखते हैं। पहले तो रसूलुल्लाह सल्लम की खुद की मिसाल, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़बिलू फी रमदान व हुवा सौइमुन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे के हालत में अपनी बीवी को बोसा दिया करते थे रोजे के हालत में। हाँ, तो ये बात तो हमने मसले को देखा, लेकिन ये हदीस देखिए, अन अबी हुरैरा अन्न रजुलन सअला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल मुबाशरती लिस्सौइमी फरखसा लहू, एक आदमी आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और रोजे के हालत में बीवी के साथ कुछ वक्त गुजारने के ताल्लुक से, मतलब कुछ चीजें हों, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रुख्सत दी, कहा कि नो प्रॉब्लम, कोई हर्ज नहीं है, मतलब बीवी के साथ, लेकिन जिमा से कम, मतलब ताल्लुकात नहीं।
वताहु आखर आखरू, फिर एक दूसरा आदमी आया, फसालहु, यही सवाल पूछा, फनाहु, उसे मना किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक को रुखसत दी, एक को मना किया। अब सुनिए आगे, फइज़ल लज़ी रख़स लहु शेखुन, जिसको इजाजत दी वो थोड़े शेखुन, वो थोड़े से उम्र बढ़ चुकी थी, मतलब उम्र बढ़ चुकी थी। शेखुन किसे कहते हैं? शेख यानी कि थोड़ा बूढ़ा हो गया आदमी, थोड़ा सा बड़ा हो गया, उम्र बढ़ गई। वल्लज़ी नहाहु शाबुन, और जिसको मना किया वो नौजवान था। अब नौजवान का मामला क्या है? वो स्टार्ट कहीं से करेगा, फिर सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाया, ख्वाहिशा तो इतना कंट्रोल नहीं है जितना उम्र बढ़ने के बाद कंट्रोल आने लगता है, तो उतना उस नौजवान को कंट्रोल नहीं होगा, फिर वो पहुंच जाएगा एक ऐसे गुनाह तक जिससे कि रोजा उसका टूट जाए। हाँ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को पहले ही रोक दिया, और जो जो बुजुर्ग थे उनको इजाजत दी। हाँ, उसको इजाजत दी, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं, अब इसमें एक और हदीस, रोजे के हालत में अपनी बीवी के साथ मुबाशिरत जिसे कहते हैं, मतलब कुछ एक्शंस हस्बैंड वाइफ के बीच में जिमा से कम दर्जे के एक्शंस करते हैं, लेकिन लास्ट में एक सेंटेंस ये पढ़िए, नबी वो कहती हैं, वकाना अमलकुम लिइर्बिही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने ख्वाहिशात पर सबसे ज्यादा कंट्रोल था, मतलब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीजें थी उनको अपनी ख्वाहिशात पर बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल था, यानी कि वो लिमिट पार नहीं करेंगी। हाँ, तो ये हमने ये भी देख लिया कि इससे कम दर्जे, जिमा से कम दर्जे की चीज एक्चुअली फंडामेंटली जायज है, लेकिन एक इंसान खुद समझ सकता है, क्या समझ सकता है एक इंसान कि वो जवान है, ख्वाहिशात पे कितना कंट्रोल है, या थोड़ा उम्र बढ़ चुकी है। हाँ, अभी कंट्रोल आ गया, मैंने तो मसला बता दिया, आप आगे की चीज आप समझ सकते हैं इंशाल्लाह। चलिए आगे, पॉइंट नंबर 7, रोजा कैसे टूटता है। अब आते हैं रोजा कैसे टूटता है, इसमें तो किन चीजों से रोजा टूटता है, हम स्टार्ट करते हैं खाने पीने से, ऑब्वियसली टूटता है। इब्न कुदामा की जो किताब है अल मुगनी, इब्न कुदामा ने कई ऐसे टॉपिक जमा किए जिसमें मुसलमान उलमा का इजमा है, इत्तेफाक है, कंसेंसस है, यानी उसमें इख्तलाफ नहीं, यानी इसमें आपस में इख्तलाफ नहीं। वह अजमाल उलमा अलल फितरी बिल अकली, उलमा का इत्तेफाक है कि खाना खाने से रोजा टूट जाता है, वह शुरबी पीने से टूट जाता है, बीमा या तगज़ा भी उस चीज से जिससे गिजा होती है, जिससे गिजा होती है, जिसमें गिजा है उससे तो डेफिनेटली खाना रोजा टूट जाता है। दूसरी चीज जिससे रोजा टूटता है, हैज आने से, अलैसा इज़ा हावत लम तुसल्ली व लम तसुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या कोई औरत ऐसा नहीं है कि जब वो हैज की हालत में होती है तो वो ना नमाज पढ़ेगी ना रोजा रखेगी, तो रोजा नहीं होता हैज की हालत में, हैज आने से रोजा टूट जाता है, यहां तक का कि इफ्तार से 5 मिनट पहले हैज आ गया तो रोजा टूट गया, वो रोजा फिर से रखना होगा, लेकिन आपने जो जितने देर तक खाना नहीं खाए थे उसका सवाब जरूर मिलेगा, अल्लाह ताला के पास वो एक ही चीज का सवाब मिलेगा, अल्लाह ताला वो सवाब से महरूम नहीं करेगा, लेकिन रोजा तो टूट जाए, रोजा तो फिर से रखना होगा। ओके, इंशाल्लाह याद रखेंगे इस मसले में, 5 मिनट पहले भी हैज आ गया तो रोजा टूट गया, हाँ, इफ्तार से पहले, ठीक है। नेक्स्ट, जिमा से रोजा टूटता है क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया, उहिल्ला लकुम लैलतु सियाम रफ़थु इला निसाइकुम, कि तुम्हारे लिए जायज है कि रोजे की रात में तुम अपनी बीवी से ताल्लुकात कायम करो, हाँ, बीवी से ताल्लुकात कायम करो, तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रात में, दिन में नहीं। और दिन में इसके अंदर ये बहुत इंटरेस्टिंग हदीस है जिसमें हम लोगों को ये मसला समझ में आता है और क्या पेनल्टी है, सब लोग गौर से सुन, मतलब जो शादीशुदा भाई बहन है, मतलब मेरे भाई बहन, उनके खुद के नहीं, जो भाई और बहन यहाँ पे हैं जो मैरिड हैं, वो लोग ये मसले को अच्छी तरह से समझ लें। बैनमा नहनु जुलूसुन इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबी कहते हैं कि हम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में बैठे हुए थे, इज़ा जाहु रजुलुन, एक आदमी आया, फ़क़ाल या रसूलल्लाह हलक्तु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। क़ाला मा लका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या मामला है, क़द वक़ातु अलल इमराती वा अना सायमुन, मैं रोजे की हालत में था, मैंने अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात कायम कर दिए। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल तजिदु रक़बतन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या तुम्हारे पास गुलाम है, अब गुलाम फर्स्ट थिंग, तूतिकुहा,
जिसको तुम गुलाम आजाद कर लो। तुम्हारे पास कोई गुलाम है, गुलाम मतलब क्या मामले में 4-5 लाख रुपए का कम से कम एक गुलाम होता है। गुलाम आजाद यानी तुमने रोजे की हालत में जमा किया ना, गुलाम आजाद करो। है तुम्हारे पास गुलाम? कहा नहीं नबी गुलाम तो नहीं है। काला फहल तस्तती अन तसुमा शहरैन मुततबीईन, क्या तुम 2 महीने कंटिन्यूस रोजे रख सकते हो? एक रोजा तोड़े ना, अब 2 महीने कंटिन्यूस रोजा मुततबीईन, यानी कि कंटिन्यूस यानी कि अगर बीच में एक दिन छोड़ दिया फिर से स्टार्ट करो, 2 महीने 60 दिन तक कंटिन्यूस रोजा। अब वो एक ही रोजे में उसका यह हालत हो गई। नबी सासी मैं नहीं कर पाऊंगा, गुलाम है नहीं है, 2 महीने रोजा रख सकते हो नहीं रख सकते हो। قال هل تجد اطعام 60 مسكينا, क्या तुम 60 गरीबों को खाना खिला सकते हो? 60 गरीब को खाना खिलाना, समझ लो। अब ये गरीब आदमी था, गरीब साहबी थे। قال لا, कहा नहीं मेरे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 60 गरीबों को खाना भी नहीं खिला सकता। قال فمكث مكث النبي صلى الله عليه وسلم, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। अब क्या बोले हां इसके अंदर, فبين نحن على ذلك साहबी कहते हैं हम इसी हालत में थे। उतिय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे अरकिन फीहा तमरुन वल अरकु मिक्तल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हाल में थे तो एक बास्केट लाई गई जिसमें खजूर थे। बास्केट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदीये में दी। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के हमारे रहनुमा ही नहीं, हमारे सबसे बड़े केयर करने वाले, हमारे हमसे मोहब्बत करने वाले। हा? तो काला आई नसाइल, वो सवाल पूछने वाला कहा है? नबी सल्लम ने पूछा तो मैंने सवाल पूछा था। काला खुश हा फतसद्दक भी, नबी सल्लम ने कहा कि ये लो जाओ जाके सदका कर, ये तुम्हारा क्या हो गया कफारा। देखो वो था जो फिदिया, फिदिया क्या था? रोजे के बदले में करना, जो बुजुर्ग मर्द औरत था ना, ये है कफारा पेनल्टी। क्या पेनल्टी है? गुलाम है तो गुलाम आजाद करो, गुलाम नहीं है तो 60 दिन तक कंटिन्यूस रोजा रख सकते हो, रोजा रखो। वो भी नहीं कर सकते, 60 गरीबों को खाना खिलाओ। अब इनके पास 60 गरीब को खाना खिलाने के पैसे नहीं थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास की बास्केट खजूर के आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम जाके यही सदका कर दो, हदिया दिया, कहा जाओ यही सदका कर दो। काला रजुल आला अफकरा मिन्नी या रसूलुल्लाह, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने से गरीब को सदका करूं, अपने से गरीब। फवल्लाही मा बैना ला बतैहा युरीदुल हरतैन अहलु बैतिन अफकरु मिन अहलि बैती, ये पूरे जो जो ये दो जो मदीना का जो पूरा शहर है ना, जो इस दोनों पथरीले इलाके के बीच में जो दरमियान में पूरा शहर है, वो साहबी ने कहा मुझसे गरीब कोई है ही नहीं पूरे शहर, मैं ही सबसे गरीब हूँ। अब देखो सवाल, दही का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अन्याबुहु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसे यहाँ तक कि अन्याब यानी कि प्री मोलार जो दिखाई देने लगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी हंसे। काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अतिम हूँ अहलक, जाओ अपने घर वालों को ये खजूर खिलाओ, ये हो गया तुम्हारा कफारा। सुभान अल्लाह, ये है इस्लाम दीन, यानी कि जिसके अंदर लोगों के हालात के साथ कंसिडरेशन है। ऐसे नहीं है कि बस तुम्हें कुछ भी करना पड़ेगा, नहीं, अब उसको कहा गया जाओ तुम ये जाओ अपने घर वालों को खाना खिलाओ, ये तुम्हारा कफारा है, तुम्हारे से गरीब तो कोई है नहीं शहर में। चलिए, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। लेकिन एक और चीज नोट करिए, वह सुम यौमन मकान हु, वो जो रोजा टूट गया उसके बदले में एक रोजा रख लो। सुम यौमन वस्तगफिरिल्लाह, एक रोजा रख लो और अल्लाह से माफी मांग लो। हाँ, तो उसे क्या करना था? कजा भी करना था, कफारा भी करना था। कजा यानी जो रोजा टूट गया और कफारा भी देना है। हाँ, तो ये बात हम देख रहे हैं। तो लेकिन आप तो बॉम्बे के सबसे या इंडिया के सबसे गरीब लोगों में से नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको गनी बनाए, हम सबको दुनिया में किसी का मोहताज ना बनाए। तो मेरे भाई मेरी बहनें, 60 गरीबों को खाना खिलाना पड़ेगा, समझ लो, और ये गुनाह है, क्योंकि वस्तगफिरिल्लाह, अल्लाह से माफी मांगना, क्योंकि रोजा टूट रहा है, रमजान का रोजा छूट रहा है, यानी रमजान यानी फजीलत का टाइम है ना, बड़ी अफसोस की बात है। बिल्कुल लिमिट में रहना, नौजवान लोगों के लिए यही नसीहत है कि आप तो दूर ही रहो। हाँ, समझ लिए ना आपने, इससे पहले आ चुका है ना टॉपिक जी। अच्छा, उल्टी मंजराहुल कयउ फलैसा अलैहि क़ज़ा, जिसे उल्टी हो जाए उसके लिए कोई कजा नहीं, यानी कि उल्टी हो गई अनकंट्रोल्ड, अब जाए उल्टी कर लिया तो कजा नहीं है। वमस्तैका अमदन फलयकदी, जो जानबूझ के उल्टी करे, यानी हलक में उंगली करके उल्टी किया, जानबूझ के कर रहा है, तो उसे कजा करना होगा, उसका रोजा टूट गया, रोजा कजा करना होगा, कजा हाँ, उसका रोजा टूट गया, याद रखेंगे आप इस बात को जी। चले हम आगे बढ़ते हैं। अभी क्या चीज से मनी खारिज करने से
रोजा टूटता है क्या? तो हम देखते हैं कुरान की आयत क्या, हदीस क्या है सही बुखारी की, यदउ शाह यदउ अकलहु व शुरबहु व शहवतहु, कि वो अपने खाने को छोड़ता है, पानी को छोड़ता है, अपनी शहवत को छोड़ता है। तो शहवत को छोड़ना, शहवत की वजह से क्या होता है, छोड़ने कहा गया, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि अल्लाह कहता है कि असौमुली रोजा मेरे लिए है, वाना जीबी मैं उसका बदला दूंगा, यदउ अकलहु व शुरबहु व शहवतहु, वो अपने खाने पानी को शहवत को छोड़ा, शहवत को छोड़ा यानी वो शहवत छोड़ने की बात हो रही। अब मैं आप सबके सामने बात बता रहा हूँ कि ये मसले में मैं आपके सामने दोनों ओपिनियन रखूंगा। ओके, पहला ओपिनियन शेख इब्न जबरीन, शेख फतावा इब्न उसैमीन में है। इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह बड़े सीनियर स्कॉलर गुजरे हैं, सऊदी के ग्रैंड मुफ्ती भी हो चुके हैं। इंजालुल मनी बिशहवतिन बिफेल सौइमी मिनल मुफत्तिरात, के मनी मनी जो जो मनी है वो है सीमन है वो निकलना, हाँ बिफेल साइम रोजेदार के किसी एक्शन की वजह से ये रोजा तोड़ देता है, रोजेदार के एक्शन की वजह से है तो रोजा तोड़ देता है। वामा इदा काना हदा भी गैरी शहवतिन, लेकिन कभी बगैर शहवत के अगर हो जाए, सोयावा नींद में हो गया, अंडा आउट ऑफ कंट्रोल, हाँ फैन्ना सौमहु सही हूं वाला कदा अली, उसका रोजा सही है, उसके ऊपर कोई कजा नहीं है, हाँ ये बात मिलती है। तो अब यहां पर आते हैं हम आगे, इन चीजों से रोजा नहीं टूटता। मैं सेकेंड ओपिनियन थोड़ा आगे बताने का देख लू, यहाँ पे कोई चैट में कोई सवाल तो कनेक्टेड है, ठीक है चलो, कुछ कनेक्टेड नहीं है तो मैं बाद में लूंगा इंशाल्लाह। अभी सुनिए मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मन नसिया वह हुआ सौइम, जो भूल गया कि वो रोजे से है, फअकला शरीबा खाया भी पिया, फल युतिम सौमहु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो अपना रोजा पूरा करे, फइन्नमा अतमहुल्लाहु वसकाहु, मुझे बहुत प्यारी लगता है ये लास्ट वर्ड्स, क्योंकि अल्लाह ने उसे खिलाया पिलाया अल्लाह ने उसे खिलाया पिलाया, सुभान अल्लाह, रोजे के हालत में भी अल्लाह ताला खिलाना पिलाना पिलाने पे कादिर है। कोई इंसान भूल गया मैं रोजे से हूं, पानी पी लिया, ओ मैं रोजे से हूं, मन नसिया भूल गए, खा लिए पी लिए पूरा खाना खा लिया, अरे मैं तो रोजे से था, लेकिन भूले तो हाँ जान बुझ के करके, लोगों को कोई हो सकता है धोखा दे सकता है, लेकिन अल्लाह ताला के लिए कोई धोखा नहीं है। तो पता क्या चला, खाने पीने से तो रोजा टूटता है, लेकिन साथ में ये जिक्र होना चाहिए, मतलब याद होना चाहिए कि मैं रोजे से हूँ, हाँ याद होना चाहिए। नेक्स्ट चीज इस बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, मन अफ्तरा फी रमजान नासियन, जो रोजे के रमजान में भूल कर रोजा उसका टूट जाए, हाँ खोल दे, फला कजा अलैहि वला कफारा, उसका कजा भी नहीं है कफारा भी नहीं, जो था ना कजा कफारा दो चीजें याद है ना, वो उसके लिए कजा भी था कि एक रोजा रखो बदले में, और कफारा क्या था, गुलाम को आजाद करो, 60 दिन तक रोजा रखो कंटिन्यूस, या 60 मिस्किनों को खाना खिलाओ, तो वहां कजा कफारा था, वो कफारा कजा अलग है कफारा अलग है, कजा यानी रोजा टूट गया रोजा रखो बदले में, कफारा क्या है पेनल्टी, पेनल्टी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो भूल गया नासियन, भूल के हुआ, फला कदा अलैहि वला कफारा, उसके लिए ना कजा है ना कफारा है, हाँ ये बात को याद रखेंगे। अब इसके अंदर अक्सरियत कहते हैं भूल कर खाने से रोजा नहीं टूटता अक्सरियत, लेकिन मैं आपको एक बस इंटरेस्टिंग है मैं बता रहा हूँ, इमाम मालिक रहिमहुल्लाह वो कहते हैं कि गलती से अगर कोई खा ले तो रोजा टूट जाएगा, लेकिन यहां पर हम देखते हैं अक्सरियत की राय जो है सही है। ये बात याद रखो, हमेशा जरूरी नहीं अक्सरियत हमेशा हमेशा सही है, क्योंकि हमें नहीं कहा गया कि जब इख्तलाफ हो तो देखो ज्यादा नंबर कहाँ है, जैसे हम लोग इंडिया में डेमोक्रेसी में रहते हैं, जो पार्टी को ज्यादा वोट मिल जाते हैं वो इन पावर आ जाती है, ऐसे दीन के मसलों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा इस मसले में है कि अक्सरियत एक तरफ है और इमाम मालिक रहमतुल्लाह दूसरी तरफ है। इमाम मालिक का मौकिफ एक्चुअली दलील की रोशनी में देखेंगे, जो दलील आपके सामने गुजर चुकी है, मिस्टेकन है, रॉन्ग है, हाँ ओके। अभी आते हैं गलती से रोजा को इफ्तार कर दे, अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। زید بن وہاب تابعی وہ کہتے ہیں بینما نحن جلوس فی مسجد المدینہ فی رمضان، ہم لوگ مسجد مدینہ کی مسجد یعنی مسجد نبی میں ہم لوگ رمضان میں بیٹھے تھے، وہ سماؤ متغیمہ اور بادل چھائے ہوئے تھے، فرائنا ان الشمس قد غابت وانا قد امسینا، ہمیں ایسا لگا جیسے کہ سورج ڈوب گیا اور رات ہو گئی، فاخرجت لنا اساسفو من لبن من بیتی حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے تھوڑا
कुछ खाने की चीज आई थी जो लबन दूध से बनी हुई कोई चीज थी, फशरीब उमर वो शरीब ना, उमर रदिल्लाहु ने भी पिया, हमने भी पिया, उमर रदिल्लाहु के जमाने की खिलाफत के बात है, हफ्सा रदिल्लाहु अन्हा भी थी, उनकी बेटी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुताहरा में से और हमारी माँ, वलम नलबस अन ज़हब अस-सहाब व बदत अश-शम्स, और उसके बाद क्या हुआ कि बादल हट गए और सूरज निकल आया, सूरज निकल आया, अब ये लोग इफ्तार कर लिए हैं। फजाला बादुना यकूलु लिबाद नक़दी यौमा हादा, बाज़ लोग दूसरों से कहने लगे ये दिन का कजा करना पड़ेगा, हाँ ये दिन कजा करना पड़ेगा। फसमिया ज़ालिका उमर, उमर रदिल्लाहु अन्हु ने कहा कि फकाला वल्लाहि ला नक़दीही वला तजानफना लिइथ्मिन, हम इसकी कजा नहीं करेंगे और हमारा कोई गुनाह का इरादा भी नहीं था, हमने कोई गुनाह के इरादे से खाए पिए नहीं, इसका कजा नहीं है। यानी क्या है मामला यहाँ पे, एक चीज ये हो गई कि उनको उनसे मिस्टेक हो गई, क्या मिस्टेक हुई, उनको पता नहीं था कि इफ्तार का वक्त नहीं हुआ है, तो यानी क्या है कि कभी मिस इन्फॉर्मेशन से भी रोजा इस तरह से अगर हो गया बाय मिस्टेक किसी के साथ हो गया तो अल्लाह ताला ने रुख्सत रखी है, जैसे सहाबी रसूल का फतवा है इसमें और बेहकी महदी सही सनद से है, तो हम ये देखते हैं कि ये चीज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुफत्तिरात यानी रोजा तोड़ने वालों में से नहीं है, जानबूझ के अगर अगर गलती से हो गया तो रोजा नहीं टूटेगा। आगे भूल कर जिमा, अभी एक सवाल किसी ने पूछा है कि भूल के अगर जिमा कर लें तो अक्सरियत कहते हैं कि कफारा नहीं है, यानी कि खाने पीने से क्या है। देखो फर्क समझो, अगर मान लो कि कोई रोजा तोड़ देता है, हाँ रोजा तोड़ देता है तो क्या उसे कफारा भी देना होगा या कजा खाली करना होगा, यानी खा लिया जानबूझ कर, तो उलमा कहते हैं उसने गुनाह किया उसे अल्लाह से माफी मांगनी होगी, उसे उस रोजे के बदले में कजा करना होगा, लेकिन खा पी के तोड़ने से कफारा नहीं, लेकिन जिमा से तोड़ने की वजह से कफारा पेनल्टी भी, आप समझ रहे हैं। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अफ्तरा फी रमदान नासियन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो अफ्तरा फी रमदान नासियन, जो भूल के रोजा तोड़ दे फला कदा अलैहि वला कफारा, उसके लिए ना कजा है ना कफारा है। वो लोग ये हदीस को दलील के तौर पे कहते हैं कि यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ्तरा कहा अगर भूल के करता, लेकिन यहाँ पे एक बात को समझना चाहिए कि भूल क्या दोनों की तरफ से भूल होगी, मतलब दोनों भूल गए रोजे से, कोई एक भूला हो सकता है, कैसे भूल जाए इतनी बड़ी चीज में, मतलब जेन्युइनली भूलना है तो कहते हैं कि फिर उसके लिए कफारा नहीं है सिर्फ कजा है, गुनाह तो है ही, यानी अगर गलती से गलती में गुनाह नहीं है लेकिन फला कजा अलैहि वला कफारा, तो उलमा कहते हैं कि इसके अंदर कफारा नहीं है, अल्लाह आलम। ओके लेकिन इमाम अहमद रहिमहुल्लाह इसमें एक प्रूफ देते हैं, वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो सहाबी आए थे जिन्होंने कहा कि मैंने बीवी से हमबिस्तरी कर ली, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि तुम भूल गए थे, क्या ये नहीं पूछा। इमाम अहमद कह रहे हैं कि यहाँ पे भूलने का मामला इस चीज में नहीं है, एक एहतियात का पहलू है यहाँ पे हम देख रहे हैं इमाम अहमद की बात में, एक बात दिख रही है अल्लाह आलम, हाँ अल्लाह आलम। ठीक है, नींद में मनी खारिज होने से रोजा नहीं टूटता, ये कॉल हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, नींद में हो गया तो ठीक है, दो टॉपिक हमने कंप्लीट किए, रोजे में क्या जायज है, क्या करने से रोजा टूट जाता है। हाँ ओके, अब आगे बढ़ते हैं रोजों की कजा, रोजों की कजा, तो कजा में चलिए एक मिनट रुकिए, यहां तक का हमारा मैं देख लूं कोई अगर इससे रिलेटेड है तो मैं ले लूं सवाल। ठीक है मुझे दिख रहे हैं, हाँ जानबूझकर कोई तय करे कैसे कर सकता है, सवाल ये जानबूझ के उल्टी करते हैं ना कोई चीज, कोई उंगली दाल है उल्टी करे जानबूझ के, उसको बहुत बुरा लग रहा है तो फिर उल्टी कर ले तो फिर क्या होगा, रोजा टूट गया, हाँ जानबूझ के उल्टी करे। ठीक है चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नफली रोजे नहीं, रोजों की कजा, कजा का टॉपिक अब हम देख रहे हैं। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये तीन टॉपिक में तीन वर्ड्स हैं, जरा आपके दिमाग में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एक है कजा, कजा क्या है, रोजा जो छूट गया टूट गया उसका कजा करना यानी कि उसको कवर अप करना। एक है कफारा पेनल्टी यानी कि जैसे जुमा के जरिए किसी ने रोजा तोड़ा तो उसकी पेनल्टी,
और तीसरी चीज है फिदिया। फिदिया क्या है कि रोजे के बदले में मिस्कीन को खाना खिलाना, रोजे के बदले में। ये किसके लिए है? शेखुन कबीर, बूढ़े आदमी के लिए है, बूढ़ी औरत के लिए है, ऐसे बीमार के लिए है जिससे रिकवरी की, शिफा की उम्मीद ना हो। हाँ, ऐसे बीमार के लिए। और जैसे कि हमने देखा कि ऐसी हामिला जो अपने बच्चे के लिए डर रही है, मतलब प्रेग्नेंट है, उसे डर है बच्चों का, मैं रोजा रखूंगी तो क्या होगा, मतलब डर है उसे बच्चे का क्या होगा। और ऐसे दूध पिलाने वाली जिसको अपने बच्चे के ताल्लुक से डर है, खुद के ताल्लुक से, बच्चे के ताल्लुक से डर है, तो ऐसी हामिला और दूध पिलाने वाली को अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबी रसूल अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की कॉल की रोशनी में हमें दलील मिलती है कि दोनों फिदिया दे सकते हैं, जो वीक है, कमजोर है, हाँ, वो लोग फिदिया दे सकते हैं। तो ये तीन टर्म्स में मिक्स नहीं करना है। ओके, इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब हम आ रहे हैं कजा के टॉपिक पर। कजा में एक बात देखिए, यहाँ पर कजा कब करना है। अनायशा रदिल्लाहु अन्हा कालत, आयशा रदिल्लाहु अन्हा फरमाती है, काना यकूनु अलैय सौम मिन रमजान फमस्ततीउ अन अक्दिया इल्ला फी शाबान। मेरे रमजान के रोजे छूटे हुए होते थे और मुझे मौका नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता कि मैं उसका कजा करूं सिवाय शाबान में। शाबान रमजान से पहले आता है, यानी 11 महीने गुजर गए, 11वें महीने में जाकर वो अपने पिछले रमजान की छूटे हुए रोजे हैज वगैरह की वजह से जो छूट जाते हैं वो कवर कब करती वो? शाबान में। तो यहाँ पे सवाल क्या है कि शाबान तक वो नफली रोजे दरमियान में रखें, यौमुल अरफा का रोजा आएगा, नौ ज़िलहिज्जा, मुहर्रम का रोजा आएगा, हाँ, आशूरे का रोजा जो है 10 तारीख आएगा, तो और शव्वाल के 6 रोजे हैं, तो क्या वो सब रोजे रख सकती हैं? हाँ, रख सकती हैं। फर्ज रोजे आप बाद में कवर करिए। इसकी दलील क्या है? पहली दलील तो आ गई आपके सामने, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का कॉल। और दूसरी दलील कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि फी अय्यामिन उखर, कुरान में आयत है सूरह बकरा की आयत नंबर 185 में है कि जिसके छूट जाए वो दूसरे दिनों में पूरा करे। तो दूसरे दिनों में अय्यामिन उखर कुरान के अल्फाज, तो उसके अंदर ये नहीं है कि दूसरे दिनों में कंटिन्यूसली कर दो, रमजान खत्म होते ही कर दो, कजा बाद में भी कर सकते हैं, अगले रमजान से पहले कर सकते हैं। ओके, इंशाल्लाह। अच्छा, फिदिया कैसे देते हैं, चलिए देखते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग हदीस है और ये हमारे हम में से जो हैं जिनके बुजुर्ग माँ बाप हो तो फिदिया के लिए क्या करें। अनस बिन मालिक अन्नहु दौफा अनिसौमी आमन, कि एक बार वो एक साल ऐसा हुआ वो रोजा नहीं रख सकते थे, बहुत ओल्ड हो गए थे। अनस बिन मालिक को अल्लाह ताला ने बहुत लंबी उम्र नवाजी थी, उनको दुआ मिली थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ताला उन्हें उनकी जिंदगी में इजाफा करे, तो उन्हें ये दुआ मिली थी, उनकी उम्र बहुत लंबी हुई थी। तो एक ऐसी एज आई थी कि जिसमें वो रोजा नहीं रख सकते थे। अब सुनिए क्या किए। फसना जुफनता सरीद, सरीद जो बहुत अच्छी डिश है, सरीद यानी कि एक अच्छी डिश समझी जाती है खाने की, गोश्त वगैरह से बनती है, गेहूं की कुछ गोश्त, सरीद की डिश आप लोग देख सकते हैं, हाँ, गल्फ में अभी भी बहुत पॉपुलर सरीद। तो फसना जुफना तो सरीद पकाते, वदा तलासीना मिस्कीनन, 30 मिस्कीन को खाना को बुलाते हैं, फशबाहुम पेट भर के उनको खाना खिलाते हैं, फशबाहुम, ऐसा नहीं क्या तुम लोग सब एक तिहाई वाली हदीस याद रखो, एक तिहाई से ज्यादा नहीं खाना, देखो याद रखो वो एक तिहाई खुद के लिए है, मेहमान को बुलाते हैं ना तो उसको खिलाया जाता है, उसको बुला के नहीं कहे कि एक तिहाई खाना, एक तिहाई पानी, एक तिहाई हवा, हाँ, तो वैसा नहीं है, तो अच्छी तरह से खाना खिलाते, मतलब कि 30 के 30 को एक साथ में खाना खिला सकते हैं, हाँ, इंशाल्लाह ये हो गया फिदिया। और एक साथ में ये आयत आ गई, फइद्दतु मिन अय्यामिन उखर, अय्यामिन उखर के अल्फाज है, दूसरे दिनों में पूरा कर ले। ओके, एक साथ में कजा करना जरूरी नहीं, कजा वाले रोजे एक साथ में, भाई 5 रोजे छूटे, 5 एक साथ में रखना जरूरी नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं ला बासा युफर्रिका लिकौलिल्लाहि तआला फइद्दतु मिन अय्यामिन उखर, कोई हर्ज नहीं है कि वो फर्क किया जाए, ये अल्लाह के कलाम अल्लाह के ने जो कहा है कि दूसरे दिनों में से रखे, दूसरे दिनों में से, तो जरूरी नहीं है कि साथ में हो, एक रोजा एक हफ्ते में किए, कजा दूसरे हफ्ते में दूसरा रोजा रखे, ऐसा कर सकते हैं इंशाल्लाह। ओके, अब यहां पर एक मसला है कि जानबूझकर कोई रोजा तोड़ना है, मैंने कहा ना आपको मैं दोनों साइड के व्यूज बताने वाला हूं, तो उस पर मैं आ रहा हूं। यहां पर हम ये देख रहे हैं कि जानबूझकर रोजा तोड़ने का कफारा क्या है। अक्सर ये कहते हैं कि अगर कोई जानबूझ के खा रहा है पी रहा है तो उसे भी या तो एक गुलाम आजाद करो, या तो 60 मिस्कीन को खाना खिलाओ, 60 दिन तक कंटिन्यूस रोजा रखो, या तो 60 मिस्कीन को खाना खिलाओ। और
इमाम मालिक भी उसी तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ इमाम शाफी है, शेख अल्बानी है, वो कहते हैं कफारा इबादत के मामले में से, कफारा जो इबादत है ना ये टॉपिक की, और इबादत में कियास अलाउड नहीं है, एनालॉजी अलाउड नहीं। क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो फरमाया वो जिमा के जरिए रोजा तोड़ने वाले के लिए कहा, सब रोजा तोड़ने वालों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया, जिमा के जरिए रोजा तोड़ने वाले के लिए कहा। अब वहां से कियास, कियास यानी एनोलॉजी, कियास के जरिए, कियास आ रही से यहां पे लाना मसला कि कोई जानबूझ कर खा रहा है तोड़ रहा है तो उसके लिए भी उसे भी यही कफारा लाजिम होगा। वो कहते हैं इसकी दलील चाहिए, इमाम शाफी, शेख अल्बानी, ये लोग सब कहते हैं। और एक हदीस के अंदर है अन्ना रजुलन अफ्तरा, वही हदीस जो आती है ना, एक हदीस आती है कि एक शख्स ने रोजा तोड़ा, तो रोजा तोड़ा में कैसे तोड़ा वो कैफियत दूसरी हदीस में डिटेल मिलती है ना, तो ये तोड़ा वर्ड देख करके हम फतवा नहीं दे सकते, उसको जनरल को खास पर ये की रोशनी में समझा जाएगा। जब डिटेल वाली हदीस आ गई तो वो कौन सा वाकया था, कौन सा इंसिडेंट था, हम समझ सकते हैं। हाँ, तो इस वजह से ज्यादा मजबूत बात अल्लाह आलम यहाँ पे इमाम शाफी की, शेख अल्बानी की, ये लोगों की दिख रही है इस मौजू पर, जैसा कि हम देख रहे हैं। चले हम आगे बढ़ते हैं, नफली रोजे के टॉपिक पे आते हैं। हाँ, नफली रोजे के टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, एक सवाल आया है, मर्द और औरत अगर दोनों से जिमा हो जाए तो दोनों को कजा और कफारा करना होगा, या औरत मर्द पर डिपेंड हो जाए वो और शोहर कफारा करेगा, यानी 60 दिन तक रोजा रखना है ना, बेचारा शोहर रख रहा है, दोनों को रखना होगा। शोहर 60 दिन तक तुम रोजा रखो, मेरे पर कुछ नहीं, ऐसे थोड़ी है, खुद दोनों तोड़ रहे हैं ना, तो दोनों का तो 60-60 दिन तक रोजा रखना होगा। हाँ, अच्छा, फिदिया में कितने लोगों को खाना खिलाना है, एक रोजे के बदले में एक दो। और एक और हदीस में आता है कि अगर दो को करोगे तो बेटर है, लेकिन एक से वाह फिदिया हो जाता है, अदा फिदिया अदा हो जाता है। ओके, इंशाल्लाह। शकील भाई, मैं जो जवाब दे रहा हूँ अब थोड़ा उसको ऑफ कर देंगे वो, हाँ, मैं कर रहा हूँ, सब शवाल के रोजों में कजा की नियत हो सकती है। वेरी गुड, सवाल क्या है सुन रहे हैं आप, शवाल के रोजों में कजा की नियत, कजा किए तो कजा हुआ, शवाल नहीं हुआ, शवाल के नफली रोजे रखे तो शवाल के रोजे हुए, कजा नहीं हुए। अब कोई कहे कि मैं अगर नियत करूं कि मैं 4 फर्ज भी हो जाए और 4 सुन्नत भी उसी में हो जाए, ऐसी नियत में करूं, ये क्या है, या तो फर्ज होंगे या तो सुन्नत नमाज होगी ना, मतलब ये क्या है, फर्ज भी हो गई उसी में सुन्नत की नियत, ऐसी तो नहीं होगी ना। अच्छा, मैं सॉरी बोल रहा हूँ, आपका ऐसा इंटेंशन नहीं है, मैं सिर्फ टॉपिक को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नथिंग पर्सनल, ठीक है, मतलब सिर्फ सवाल के ऊपर है कि नॉट पर्सनली फॉर एनीवन, प्लीज। ओके ओके, तो दो नियत से एक रोजा रख सकते हैं, याद रखो फर्ज और सुन्नत में कंबाइन नहीं होता है। हा? तो कजा में फर्ज और सुन्नत कंबाइन करेंगे तो वाह वाह क्या क्या हो जाएगा, निकल आएगा ना दिन में, फर्ज के साथ सुन्नत कंबाइन हो जाएगी, तो फर्ज अलग है, उसके साथ कभी सुन्नत की कंबाइन नहीं। हाँ, सुन्नत में हो सकता है कि कोई शख्स अगर मस्जिद में दाखिल हो रहा है, 2 सुन्नत अपनी फजर के पहले की 2 सुन्नत पढ़ रहा है, और उसने साथ में तहियतुल मस्जिद भी उसको पढ़ना नहीं उसके बाद। हाँ जी, अरे भाई यहाँ पे किसी का फोन पड़ा है, चेक करो। जस्ट अ मिनट, मैं कहीं पे बैठा हूँ जहाँ फोन बज रहा था। ओके, एनीवे, चले आगे बढ़ते हैं, नफली रोजे के टॉपिक पे आते हैं। नफली रोजे में आते आइए फास्ट कवर करेंगे, 10 मिनट में हम लोग फिनिश कर लेंगे इंशाल्लाह। काला वसुइलान यौम सौमी यौमी अरफा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अरफा के रोजे के बारे में पूछा गया, काला युकफिर सनत अलमाजिया वल बाकिया, पिछले साल अगले साल 2 साल के गुनाहों का कफारा है। यानी नफली रोजों में टॉप पे आता है यौम अरफा का रोजा, 9 ज़िलहिज्जा, ये एक रोजा 2 साल के गुनाहों का कफारा है। कौन से गुनाह, कबीरा गुनाह, सगीरा गुनाह, तो सगीरा गुनाह, कबीरा गुनाह का तौबा करना लाजिम है, बड़े बड़े गुनाह होते हैं ना तौबा के बगैर माफ नहीं होते, लेकिन छोटे छोटे गुनाह का बोझ तो कंधे से हट जाए, पता चला कयामत के दिन वो छोटे 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 गुनाह मिलकर बड़े प्रॉब्लम में हम चले जाएंगे। तो यौमुल अरफा का रोजा नेवर मिस, कभी मिस नहीं करना चाहिए इंशाल्लाह, मौका है, फर्ज नहीं लेकिन बहुत अच्छा मौका है। अभी 9 और 10 मुहर्रम का रोजा, तो 10 मुहर्रम के ताल्लुक से हम पहले 10 मुहर्रम की हदीस देख लेते हैं, एक मिनट रुकिए। हाँ, अफ़दल सियाम बाद, ओके, नहीं तो वो आगे हदीस आने वाली है,
कि यौमुल अरफा का जो रोजा है, आशूरे के दिन का रोजा है, युकफ्फिरु सन्नतल माजिया, पिछले एक साल के गुनाहों का कफारा है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखे थे तो नबी साहबा ने पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी भी है, हाँ यहूदी भी है, इन्नहु यौमन तो अज़िमुहुल यहूद व नसारा, ये नौ ज़िलहिज्जा दस दस मुहर्रम का जो रोजा है इसे यहूद और नसारा भी अजीम समझते हैं, वो लोग भी रोजा रखते हैं। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा कानल आमुल मुखबिलु सुन्ना यौम तासे, अगर अगले साल में हम लोग नौवें दिन भी रोजा रखेंगे। लेकिन अगले साल जब आई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नहीं थे, यानी उन्होंने नौ मुहर्रम का रोजा खुद नहीं रखा, लेकिन क्योंकि उन्होंने चाहत का इजहार किया, चाहत बताई, तो इस वजह से 9 तारीख का रोजा रखना भी सुन्नत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। हाँ जी इंशाल्लाह, यानी 9 और 10 दोनों रखना चाहिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई है। शव्वाल के 6 दिन, मन सौम रमदाना तुम अतबाहू बिस्सित मिन शव्वाल, जो रमदान का रोजा रखे उसके बाद में 6 दिन शव्वाल के रखे, काना सौम दहर, ऐसा है जैसे कि उसने दहर जमाने का रोजा रख लिया, यानी कि रमदान के 30 दिन शव्वाल के 6 दिन, तो 30+6 कितना हो गया 36, एक साल में कितने दिन होते हैं तकरीबन 365 दिन, एक एक रोजे का 10-10, एक एक नेकी का मिनिमम 10 सवाब मिलता है, तो ऐसा है कि 36 रोजे रखे तो यानी जैसे कि साल भर रोजा रख लिए, 360 हो गया ना, वो 36 से 360 हो गया, जैसे कि साल भर रख लिए, और ये दहर दहर यानी जमाना ऐसे ही करते जाओ हर साल, तो जैसे कि जमाने का रोजा रख लिए। हाँ ओके, हर महीने के 3 दिन, सलासुम मिन कुल्ली शहरिन, 3 दिन हर महीने में से, वह रमदान इला रमदान, रमदान से रमदान, हाजा सौमुद्दहरी कुल्ली ही, हर महीने 3 रोजे और रमदान के 30 रोजे, तो ये जैसा है जैसे कि एक जमाने का तुमने रोजा रख लिया, 3 रोजे मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 30 के बराबर वो 3 का सवाब होता है। याद रखो ना कि हर निकी का कम से कम 10 टाइम सवाब मिलता है इस्लाम। जैसे कोई टीचर अगर कहे हमारी दुनिया में मिसाल में कि जितने मार्क्स मिलेंगे मैं उसके 10 टाइम्स सब मार्क्स दूंगा, कोई टीचर अगर ऐसा कहे और फिर भी पता चले कि अक्सर लोग स्टूडेंट्स फेल हो गए, तो हम कहेंगे क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, 10 टाइम्स मार्क्स मिले हैं हाँ और फिर भी तुम फेल हो रहे हो, तो ये हम इंसानों की अफसोसनाक बात है कि हम में से अक्सर लोग फेल होने वाले लोग हैं, जो गुनाहों के रास्ते पे इतना आगे बढ़ जाते हैं, ख्वाहिशात की पैरवी में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि वो फिर भी पास नहीं होते, लेकिन अल्लाह का फजल बहुत बड़ा है। हाँ ओके, नेक्स्ट, शाबान में कसरत से रोजे रखना, अन आयशता अन्नहु अन्नहा कालत, आयशा दिलाना कहती है, वमा रायतुहु फी शहरिन अक्सर सियामन मिनहु फी शाबान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने किसी महीने में शाबान से ज्यादा रोजे रखते नहीं देखा, सब महीनों में सबसे ज्यादा रोजे रखते शाबान में रखते। हाँ ओके, नेक्स्ट, अफ़ज़लु सियामी बाद शहरी रमदान शहरुल्लाह मुहर्रम, सबसे ज्यादा फजीलत वाले रोजे रमदान के बाद फजीलत के एतबार से अफ़ज़लु सियाम वो है मुहर्रम के रोजे। हाँ मुहर्रम के रोजे यानी आम नफली रोजे मुहर्रम में रखना सबसे ज्यादा सवाब है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमली नमूना ये था कि शाबान में सबसे ज्यादा रोजे रखते कब, सबसे ज्यादा शाबान में, लेकिन फजीलत सबसे ज्यादा कब की है, मुहर्रम की बताए। अच्छा, ज़िलहिज्जा के पहले 9 दिन रोजा रखना भी मिलता है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु तिस्अ ज़िलहिज्जा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 दिन ज़िलहिज्जा के रोजा रखते थे, 9 दिन रखते थे, कौन से, 1 से 9 तारीख, पूरे के पूरे 9 दिन रोजा रखना सवाब है फजीलत। हर पीर और जुमेरात को रोजा रखना, नफिल रोजों की बात हो रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यसूमु यौम अल-इत्नैन व यौम अल-खमीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात को रोजा रखते, वसुइला अन ज़ालिका, पूछा गया उनसे उस बारे में, फ़क़ाला इन्नल आमाल अल-इबादी तुरदु यौम अल-इत्नैन व यौम अल-खमीस, बंदों की जो अमाल है वो पेश किए जाते हैं अल्लाह के सामने पीर और जुमेरात के दिन। एक और हदीस में आता है कि मैं पसंद करता हूँ कि उस वक्त पे मैं रोजे से रहूँ। हाँ जी, आखिरी सेक्शन पे आते हैं फिर सवाल जवाब लेंगे, कब रोजा रखना हराम है और कब मकरूह है। तो कब हराम है रोजा रखना, सबसे पहले नहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौमी यौमिल फितरी व नहर, ईद उल फितर ईद उल नहर, हाँ दोनों दिन, फितर के ईद उल फितर यानी कि रमदान के बाद वाली जो एक शव्वाल को होती है, और यौम उल नहर जो 10 ज़िलहिज्जा को होता है, ये दो दिन रोजा रखना मना है। तशरीक के दिन 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा, अय्याम तशरीक अय्याम अक्लिन व शुरबिन, तशरीक के दिन खाने पीने के दिन, तशरीक के दिन जो खाने पीने के दिन है वो दिन रोजा रखना मना है 11, 12, 13। ला यसूमन्ना अहदुकुम यौम अल-जुमुअति, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम में से कोई हरगिज कोई सिर्फ जुम्मा के दिन रोजा ना रखे, हाँ इल्ला यौमन क़ब्लहु व बादहु, बादा कि या तो उसके पहले एक दिन साथ में रखे हो या तो बाद में एक दिन साथ में रखे हो,
थर्सडे फ्राइडे रख सकते हैं, फ्राइडे सैटरडे रख सकते हैं, खाली फ्राइडे हरगिज नहीं रख सकते सही मुस्लिम के अंदर। नेक्स्ट जुमा के दिन के बारे में है, जुवेरिया बिन हारिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हमारी माँ रदलान है, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखल अलैहा यौम अलजुमुअति वही सौइमत, नबी सल्लल्लाहु उनके पास आए और वो जुमा के दिन रोजा रखी हुई थी। फकाला असुमती अमसी, क्या तुम कल रोजा रखी थी? कालत ला, कहा कि नहीं मैंने नहीं रखा था। काला तुरीदीना अन तसूमी गदन, क्या तुम्हारा इरादा है कि कल रोजा रखो? कालत ला, कहा नहीं मैं कल भी नहीं रखना चाहती। काला फाफ्तरी, नबी सल्लल्लाहु ने कहा तो रोजा तोड़ दो, तो रोजा तोड़ दो, सिर्फ जुमा के दिन रोजा रखना अलाउड नहीं, अगर रख लिए तो रोजा तोड़ देना चाहिए। हाँ जी, अन अभी और तशरीक के दिन, अन ये आपको हदीस मिलेगी कि अन अभी मुर्रा मौला उम्मे हानी अन्नहु दखल मा अब्दुल्लाह बिन अम्र, के उम्मे हानी के गुलाम के अबू मुर्रा वो दाखिल हुए अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अलास के साथ में, अला अभी ही उनके वालिद अम्र बिन अलास के पास आए। फ़क़र्रबा इलैहिमा तुआमन, तो दोनों के सामने खाना पेश किया गया। फ़क़ाला कुल खाओ, फ़क़ाला इन्नी सौइमुन, तो उन्होंने कहा नहीं मैं रोजे से हूँ। फ़क़ाला अम्र, अम्र बिन अलास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कुल फ़हादिही अय्यामुल्लती काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यामुरुना बिल इफ्तारिहा, कि वो दिन चल रहे हैं यानी 11 बारह 13 ज़िलहिज्जा जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि रोजा नहीं रखे, रोजा ना रखा जाए, इफ्तार की हालत में रहे। वयनहाना अन सियामिहा, ये दिनों में रोजा रखने हमें मना किया। फकाल इमाम मालिक वही अय्याम तशरीक, ये 11 12 13 ज़िलहिज्जा यानी अम्र बिन अलास ने उनका रोजा तुड़वाया, हाँ मना दिन में रोजा रखे थे तुड़वाया। और विसाल, जो कंटिन्यूस रोजे रखना, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल विसाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल से मना किया यानी रात में इफ्तार नहीं किए, सुबह सेहरी नहीं किए, रात से सुबह तक, जैसे बाद दूसरे मजहबों में लोग करते हैं ना विसाल करते हैं, हमारे लिए विसाल मना है। कालू इन्नका तुवासिल, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल से रोजा रखते थे, खुद रखते थे। काला इन्नी लस्तु मिस्लकुम इन्नी उतअमु व उस्का, कहा कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझे अल्लाह खाना खिलाता है पिलाता है। ये एक मौजिज़ा था, मौजिज़ा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जब वो विसाल से रोजा रखते थे अल्लाह उन्हें इफ्तार भी कराता था, अल्लाह उन्हें सहरी भी कराता था, खिलाता पिलाता था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों को कोई खिलाता पिलाता नहीं है रोजे में होते हैं, तो अनलेस खिलाने पिलाने का वो मामला है कि भूल गए खा लिए तो अल्लाह ने खिलाया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब से अल्लाह ताला ये मौजज़े के तौर पर अल्लाह ताला ये चीज देता, ये मौजज़ों में से एक मौजज़ा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मिला। ओके, अब ये सैटरडे के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता है, ये हदीस तिर्मिज़ी में, हदीस सही सनद से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तसूमू यौम सब्त इल्ला फीमा इफ्तरदा फीमा इफ्तरदल्लाहु अलैकुम, खाली शनिचर के दिन रोजा शनिचर के दिन मत रखो सिवाय वो जो अल्लाह ने तुम पर फर्ज किया है। फइन लम तजिद अहदुकुम इलल लिहा इनबतिन, अगर कुछ ना मिले तो कम से कम कुछ सूखा हुआ अंगूर हो उसे ही चूस लो, और उद शजरतिन चाहे लकड़ी हो, पेड़ की लकड़ी ही वही चबा लो, फल्यम दुगु तो वही चबा लो, वही चीज करके, लेकिन खाली शनिचर के दिन रोजा मत रखो, मना किया गया। ओके, शक वाले दिन रोजा जो हम देख चुके हैं, शक वाले दिन के रोजे के बारे में बता चुका हूं कि रमजान से पहले वाला जो एक दिन रोजा था वो रोजा रखने मना किया गया। ओके, और एक और चीज, इज़न तसफा शाबान फला तसूमू, जब शाबान आधा खत्म हो जाए उसके बाद रोजा ना रखें, यह हदीस सही सनद से है, लेकिन इसकी शरह यह है, एक और हदीस से इसकी डिटेल मिलती है कि आधे शाबान 15 शाबान के बाद रोजा ना रखें सिवाय वो जो शुरू से रखता है, जो शुरू से रख रहा था, बीच बीच में रख रहा था शुरू से, वो कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन जो नहीं रख रहा था वो 15 शाबान से ना शुरू करे, जाहिर सी बात है एनर्जी कहीं कम हो जाएगी और ये चीज हमें मिल रही है। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसी के साथ में हमारा ये 10 पॉइंट का सेक्शन खत्म होता है। अब हम थोड़े सवाल जवाब देख लेते हैं इंशाल्लाह, स्टार्टिंग से मैं टॉप से शुरू कर रहा हूँ शकील भाई जी, इंशाल्लाह सिर्फ मौजू से रिलेटेड चीजें होनी चाहिए, चलिए मैं कोशिश करता हूँ। पहला सवाल ये है कि सूद की रकम का क्या करना चाहिए, सदके के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? अच्छा, एक मसला मैं आपको बता दूं, जो एक मसला, सॉरी चलो सूद का जवाब पहले दे देता हूँ फिर वो मसला बता दूं। सूद की रकम, ओके, सूद की रकम पहले तो आना ही नहीं चाहिए, सूद की रकम आना ही नहीं चाहिए, इस्लामिक बैंक हो तो वहाँ रखिए, कोई और ऑप्शन हो तो वो करिए। बाज़ उलमा इसमें इस तरह भी सोचे हैं, बाज़ उलमा का ये भी कहना है इस बारे में, वो कहते हैं कि
सूद की रकम लेनी नहीं चाहिए, बाज़ उलमा का एक क्रेडिबल व्यू ये भी है। लेकिन क्या होता है कि जब छोड़ देते हैं तो वो बैंक वो पैसे को जमा करके कोई गलत इस्तेमाल भी कर सकती है। चलिए, तो बात ये हो रही थी, एक क्रेडिबल व्यू ये है, लेकिन जब वो लोग जमा करके उसका और गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो इस बारे में हम ये देखते हैं कि जी इस बारे में, सॉरी मैं डबल हो गया, इस बारे में क्या करें। तो आपको पता है जकात देने के लिए 8 कैटेगरी है। सूद की रकम किसे दी जा सकती है? या तो मुद्द तौर कोई बहुत मजबूर हो, यानी नॉर्मल गरीब नहीं, बहुत मजबूर गरीब को दे सकते, जो जैसे मरते हुए आदमी के लिए खिंजीर का कोष खाना भी जायज है, ऐसे कोई मजबूर बहुत गरीब को दे सकते हैं, बहुत मजबूर, या कोई गरीब गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं। बाज़ उलमा कहते हैं कि कोई ऐसी चीज जिसमें किसी एक के बेनिफिट में नहीं जा रहा है, सूद की रकम किसी एक की रकम नहीं होती, बहुत से वो रकम जो बैंक वगैरह के जरिए मिलती है तो आपको पता भी नहीं है, तो कोई एक का बेनिफिट ना हो, जैसे गरीबों का की सड़क बना दें, गरीबों का टॉयलेट बना दें, ऐसे बाज़ ये 3 चीजें मिलती है, बाकी अल्लाह आलम। हाँ, और इससे बचने की कोशिश करें। नेक्स्ट सवाल, मैं आपको एक मसला बहुत इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूँ, कि ये टॉपिक लास्ट वीक भी आया था, क्योंकि इस टॉपिक पे कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं वाजे करना चाहता हूँ। मसला ये है कि किसी का अगर पिछले साल के रोजे बाकी थे, ये रमजान आ गई, तो बाज़ उलमा इकराम इस बारे में ये कहते हैं कि उसे कजा भी करना होगा और फिदिया भी देना होगा, ऐसे कहते हैं। और उनमें अगर आप शेख बिन बाज और जो कुछ बाज सऊदी के उलमा हैं उनका अगर फतवा देखें, तो वो लोग ये कहते हैं अगर एक साल तक अगर तुमने अपना कजा नहीं किए तुमने, तो अभी तुम्हें कजा भी करना होगा, फिदिया भी मजीद देना होगा। हमने अपने इस्लामिक सेंटर में ये टॉपिक को डिस्कस किया था उलमा ने, और इस बारे में तहकीक करते हैं तो कोई दलील नहीं मिलती। इबादत का मसला है, उसमें दलील तो होनी चाहिए, इबादत का मसला है, तो इस मसले में जो लोग कहते हैं ना कि फिदिया एडिशनल देना पड़ेगा, एक्चुअली इसकी दलील नहीं मिलती, तो कजा का कजा ही करना है, ये बात ही ज्यादा मजबूत दिखती है। अल्लाह आलम, अल्लाह नोज बेस्ट। उलमा में जब इख्तलाफ होता है तो हम वो उलमा की दलील की बात लेंगे जिनके पास प्रूफ की रोशनी में ज्यादा मजबूत हो। हाँ, इंशाल्लाह। अच्छा, बच्चे पहला रोजा रखने पे दावत करना कैसे? देखिए, बच्चे को एनकरेज करना अच्छी बात है, और मैं आप सबको बता दूं, बच्चों को थोड़ा रोजा रखाइए, उन्हें सहाबा के बारे में आता है कि वो जब बच्चों से रोजा रखाते तो उन्हें खेलने के लिए ऐसे टॉयज खास बना के देते, खास बना के देते थे, क्योंकि बच्चों का क्या होना है जब खेलने में लगते हैं ना, तो उनको टाइम का अंदाजा नहीं होता है कि भूख लगी थी वगैरह, खेलने में लग गए तो मिस हो जाती, भूख की तरफ ध्यान नहीं रहता है, तो उनको उस तरह से एंटरटेन करके किसी तरह से वो रोजा रखें तो आदत बनती है बच्चों की, आगे जाके जिंदगी में आसानी होती। लेकिन बच्चों के लिए फर्ज नहीं, बच्चों के लिए फर्ज नहीं, जैसे कि हम देख चुके। तो कोई कहे कि बच्चे तो रख रहा है, हाँ, बच्चे के लिए फर्ज नहीं, जैसे बाज लोग बच्चे ने रखा और बोले भाई बच्चा रोजा रखा था, लेकिन माँ बाप नहीं रखे, जिनके लिए फर्ज है वो नहीं रख रहे हैं, बच्चा रोजा रखा है, तो हमें समझना चाहिए बच्चे के लिए अभी तक फर्ज नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि क्या उसके लिए खास दावत रखना? देखो, दुनियावी एतबार से अगर आप कर रहे हैं मोटिवेशन एनकरेजमेंट, लेकिन जहां पे दीन की रस्म बन जाएगी, जहां पे दीन का लोग हिस्सा समझने लगेंगे कि बच्चा रोजा रखता है तो दीन का ये मामला है, ऐसा करना होता है, जब ये हो जाएगा तो तब जाकर वो बिदत बन जाएगी, जहां पे लोग दीन थे का हिस्सा समझने लगेंगे तब ये हो जाएगा। इसी वजह से हमें ये उसके अंदर ख्याल रखना चाहिए। हाँ, आप सब ये बात को ध्यान रखिए। अगर रसम बन गई तो उस सिचुएशन में जब वो रसम बन जाए तो फिर तोड़ने के लिए हम लोग नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे जो लोग रसम बना रहे, मतलब कोई जायज चीज को, शेख इब्न तैमिया का कॉल है, बहुत अच्छा है, बहुत विज़न वाले बात है, जब कोई जायज चीज को लोग फर्ज समझने लगते हैं तो तब उसको छोड़ देना फर्ज हो जाता है। हाँ, जायज चीज है कि आप बच्चे को इंकरेजमेंट के लिए खाना भी दो, गिफ्ट भी दो, वेरी गुड बच्चा रखो, अब अगली साल तुम भी रखना, तुम्हें भी गिफ्ट मिलेगा, सब लोग इंकरेज होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जहां पे कंपल्सरी बन गया, फजीलत समझने लगे लोग, उसको छोड़ देना चाहिए। हाँ, ओके, अगला सवाल कि क्या रोजे के हालत में वैक्सीन ले सकते हैं? तो ये टॉपिक इस्लामिक फिक काउंसिल के सामने आया था और वो लोगों ने कहा है कि रोजे के हालत में कोविड वैक्सीन लेना मना नहीं है, क्योंकि ये गिजा वाला इंजेक्शन नहीं है, ये फूड एंड ड्रिंक में काउंट नहीं होता। हाँ, और ये नॉर्मल माउथ और नोज से भी नहीं दिया जा रहा है, तो ये
गिजा वाला इंजेक्शन ही उस एतबार से उन्होंने इजाजत दी है, और इसी रोशनी में यानी ये ले सकते हैं, अल्लाह आलम, अल्लाह नोज बेस्ट, हाँ अल्लाह नोज बेस्ट। और शेख बिन बाज से भी सवाल पूछा गया था, उन्होंने भी कहा था कि ये कोविड वैक्सीन का ऑब्वियसली उन्होंने नहीं कहा था, उस जमाने में कोविड नहीं आया था, लेकिन दूसरे वैक्सीनेशन के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि ये वैक्सीनेशन से जो मेडिसिनल पर्पसेस के लिए होते हैं उससे रोजा नहीं टूटता, सिवाय वो जिससे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें गिजा होती है, तो उसके अंदर रोजा टूटता है। हाँ इंशाल्लाह, ठीक है। कहाँ है अगला सवाल? रोजे में ब्रश कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, आ चुका है। प्रेग्नेंट वुमेन रोजा फर्ज है? यस प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी रोजा फर्ज है, सिवाय कोई ऐसी हामला है जो बहुत कमजोर है, जिन्हें डर है खुद के ताल्लुक से, बच्चे के ताल्लुक से। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का कॉल है कि उन्होंने कहा कि वो उसके बदले में, हर दिन के बदले में एक फिदिया दे सकती हैं, अगर बहुत कमजोर हैं तो, जिन्हें डर है खुद के ताल्लुक से, बच्चे के ताल्लुक से। लेकिन बाकी अगर सेहतमंद है कर सकती हैं, तो रोजा रखे उसके लिए फर्ज है, हाँ उसके लिए भी फर्ज है। लेकिन कंसेशन किसके लिए? जो कमजोर है उनके लिए कंसेशन, सब प्रेग्नेंट औरतों के लिए कंसेशन नहीं है, याद रखिएगा ये बात। ओके, कमजोर है उनके लिए। ओके, रोजे की हालत में बार बार कुल्ली कर सकते हैं? हाँ बार बार कर सकते हैं, लेकिन अंदर पेट में ना जाए। हाँ कर सकते हैं, जाके कुल्ली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो कि हदीस आई है उस बारे में कोई दिक्कत नहीं। तरावी पढ़ने का तरीका बताइए। ओके चलिए, तरावी का कुछ टॉपिक मैं कवर नहीं कर सका, मैं आप लोगों को बता दूं कि तरावी के ताल्लुक से हम देखते हैं और मतना मतना दो दो रकातें पढ़ने के बारे में हदीस आती है, दो दो रकातें करके पढ़ते जाए। यहाँ पे यह है कि बिना जमात के साथ अकेली औरत तरावी पढ़ सकती है घर में, या तो जी हाँ पढ़ सकती है, एक तरावी बिना जमात भी औरत पढ़ सकती है, लेकिन अगर आप तकलीफ थोड़ी उठाकर जमात से नमाज जहाँ हो रही वहां जाएंगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम के नमाज खत्म करने तक जो नमाज जो इमाम नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज खत्म होने तक जो साथ में पढ़ेगा, उसे रात भर नमाज पढ़ने का सवाब है, रात भर। तो एक सवाब है उसमें इमाम के साथ नमाज पढ़ने में, रात भर नमाज पढ़ने का सवाब, सुभान अल्लाह। अगर हम इमाम के खत्म, इमाम ने एक घंटा नमाज पढ़ी, उनके साथ पढ़ लिए, तो हमें रात भर का सवाब मिलेगा। लेकिन अकेले पढ़ने में कई बार ज्यादा खुशू से आदमी पढ़ लेता है, कभी कभार ज्यादा सूरा पता नहीं है तो कम ही पड़ेगा, डिपेंड्स। अगर जैसे उमर अब्दुल्लाह की मशहूर हदीस, जब उन्होंने जमात से तरावी होते हुए देखा, लेकिन खुद वो उसमें नहीं थे, वो आखिरी हिस्से में इत्मीनान से लंबी नमाज खुद पढ़ते, तो ये उमर अब्दुल्लाह के ताल्लुक से हमें मिलता है, अल्लाह वाले। ठीक है, रोजे की हालत से इससे रिलेटेड जो भाई वो भी क्वेश्चन है कि औरतें बुलंद आवाज में नमाज तरावी पढ़ सकती है क्या अकेले? अगर वो अकेले पढ़ रही है, कोई नामहरम वहां मौजूद नहीं है, तो उसमें कोई वो नहीं है। तलावत करने में थोड़ी सी आवाज लंबी बड़ी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नमाज में क़ियामुल लैल के अंदर आम कायदा ये है कि ना आवाज बहुत बुलंद हो ना आवाज बहुत कम हो, मतलब एक दरमियानी नमाज आवाज से कोई पढ़ सकते हैं, कोई वो उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ऐसा है कि कोई बहन नमाज पढ़ रही है, कोई ना महरम तक आवाज जा रही है, हाँ, तो उसके ताल्लुक से हम देखते हैं कि एहतियात रखना चाहिए हिजाब के एंगल से। जी एक मिनट, अच्छा इसमें एक और मैं मसला की बात जहन में आई है, अबू दाऊद की जो हदीस है ना कि औरत की नमाज घर में बेहतर है मस्जिद से, तो ये जो चीज़ है ये भी चीज़ इसमें शामिल है, लेकिन इमाम के साथ जो सवाब है वो अपनी जगह पर मौजूद है, हाँ अपनी जगह पर मौजूद है इंशाल्लाह, ठीक है। और खास तौर से घर में पढ़ने में वो उतनी लंबी तिलावत नहीं कर पाएंगी ना अक्सर, जैसे कोई हाफिज के पीछे नमाज पढ़ती है, ठीक है। एक और चीज़ इस बारे में कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औरतों को मस्जिद में जाने से मत रोको, हाँ मत रोको, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है कि अपनी के ला तमनौ इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की बंदियों को अल्लाह की मस्जिदों में आने से मत रोको, और तुम में से किसी की बीवी अगर मस्जिद जाने की इजाजत मांगे तो उसे मत रोको, सही बुखारी में हदीस है दोनों, हाँ तो ये भी एक बात है। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, कहाँ है अगला सवाल? रोजे के हालत में ब्लड डोनेशन, हाँ तो देखिए ब्लड निकालने से, जो उल्मा कहते हैं कि ब्लड निकालने से रोजा टूट जाता है, हाँ तो उनके नजदीक ब्लड डोनेशन से भी टूट जाएगा,
लेकिन मैंने आपको दलील की रोशनी बताया कि हिजामा कर सकते हैं और इस वजह से रोजा नहीं टूटता। हाँ, रोजा नहीं टूटता। अब क्या डोनेशन के अंदर क्या होगा? डोनेशन में वीकनेस होने का चांस है। डोनेशन में जब एक अच्छी क्वांटिटी में दूध लिया, जब ब्लड लिया जा रहा है, तो वीकनेस होने का चांस है। तो वीकनेस के एंगल से वो इफ्तार के बाद करें, डे में क्यों ना करें। लेकिन अगर मजबूरी है और आदमी स्ट्रांग है, किसी की जान बचाने वाली बात है, तो वो रोज ब्लड दे दे, उसका रोजा नहीं टूटेगा। हाँ, बाज लोग, जैसे आपने फेमस सुना होगा ना कि भाई फला साहब ने किसी की जान बचाने के लिए अपना रोजा तोड़ दिए और ब्लड डोनेशन कर दिए, तो रोजा तोड़ना जरूरी नहीं है। अगर आदमी मजबूत स्ट्रांग है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कर सकता है। बाकी इट डिपेंड्स। मेडिकल तौर पर भी बाज लोग कहते हैं कि कहते हैं कि भाई तुम्हें खा लेना चाहिए। वो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि भाई किसी ने ब्लड डोनेशन किया और उसको कुछ खिलाया पिलाया नहीं, रोजे से था, तो वो लोग उस अपना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ये बात है। लेकिन बाकी मैं दीनी एतबार से मैंने आपको मसला बता दिया। चलिए अगला सवाल, किताब का नाम फिर से बताइए। कौन सी किताब? मुझे नहीं मालूम कौन सी किताब, फिर से पूछना होगा आपको सवाल, कौन सी किताब थी उस वक्त पर। ओके, रोजे की हालत में हैज आ जाए तो कुछ लोग अफतारी तक खाते पीते नहीं है। जी, ये टॉपिक हमने कवर किया था कि हाइजा के लिए क्या इमसाक है। तो हाइजा के लिए इमसाक नहीं है, यानी कि इमसाक बोलते हैं खाने पीना, नहीं खाना पीना, तो नहीं, वो खा पी सकती है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइजा के लिए खा पी सकती है जी। लेकिन पब्लिकली खाना पीना ना करें, कि जहां सब लोग रोजे से और आके जो भली हैज में है वो जाके पब्लिकली खा पी रही है, लोगों के लिए आजमाइश होगी, तो मुस्लिम कंट्रीज में ऐसा अलाउड भी नहीं है जी। नेक्स्ट, प्रेग्नेंट लेडी अगर रोजा नहीं रख सकती तो क्या करें? जी हाँ, प्रेग्नेंट लेडी अगर रोजा नहीं रख सकती तो उसके लिए फिदिया है, फिदिया दे। जो आप बुजुर्ग मर्द औरत के लिए था, जो ऐसे बीमार के लिए था जिसकी शिफा की उम्मीद नहीं है, एंडिंग का स्टेज है, इसी तरह का कंसेशन प्रेग्नेंट औरत जो रोजा नहीं रख सकती है, हाँ, बहुत कमजोर है और उसको डर है उसके बच्चे के ताल्लुक से, मतलब कोई भी वजह से, तो वो रोजा रोजे की जगह पे फिदिया दे सकती है इंशाल्लाह। और अगर उसका कहना है कि नहीं मैं बाद में रोजा रख लूंगी, तो रख लीजिए, आपके ऊपर है, लेकिन कंसेशन की बात। फिदिया क्या है? एक रोजे के बदले में एक गरीब को खाना खिलाना, ये फिदिया है, एक रोजे के बदले में एक गरीब को खाना खिलाना। ओके, ज़ईफ़ लोगों पर रोजा रखना फर्ज है क्या? अगर ज़ईफ़ लोग रोजा रख सकते हैं, ताकत है, क्योंकि कुछ लोग ज़ईफ़ होने के बावजूद सेहतयाब होते हैं, तो उनको सेहत किसने दी? अल्लाह ने दी, तो रोजा रखिए, रोजा रखना फर्ज है उनके लिए जो रख सकते हैं। लेकिन अगर बूढ़े हों और नहीं रख सकते हैं, उनके लिए फिदिया की कंसेशन है। नेक्स्ट, अगर किसी खातून के रोजे हैज की वजह से और प्रेगनेंसी की वजह से कजा हो और वो नहीं रखी है, कजा रोजों की तादाद याद ना हो, तो अंदाजे से रख सकती है, हायर साइड पे अंदाजा, यानी अगर डाउट है कि मुझे 20 रखने थे कि 21 रखने थे, डाउट हो रहा है, तो क्या श्योर है? क्या श्योर है? श्योर ये है कि या तो 21 कवर करने या तो 20 कवर करने, तो 21 तो श्योर है ना, कि 21 तो बाकी था, तो 21 हायर साइड पे करने, यानी जो डाउटफुल है, जैसे कि नहीं है, शक वाली चीज, जैसे होता है चांद देख रहे हैं, शक है, डाउट है, चांद है कि नहीं है, तो चांद डाउट है ना, यानी चांद नहीं है, रमजान शुरू नहीं हुई, अगर चांद नहीं दिखा तो शक की बुनियाद पर रोजा शुरू नहीं होता है ना जी। नेक्स्ट, हैज के हालत में रोजा छूटे और नहीं याद नहीं रखे लाशूरी में, ठीक है, अब याद भी नहीं है कितने साल के इकट्ठा हो गए होंगे, तो वो क्या करें? रखते जाएं नफल रोजे, रखते जाएं अंदाजन लेके रखते जाएं, और वो रोजों को कवर करें और तौबा भी करें, अल्लाह से माफी भी मांगे, तो कवर तो करना होगा, नहीं तो ये बोझ है ना, अल्लाह हमारे लिए आखिरत में कयामत के दिन बोझ रहेगा। तो आप रखते जाएं मंडे थर्सडे करके रखते जाएं, बीच बीच में रखते, मंडे थर्सडे जरूरी भी नहीं, जैसे हो रखते जाएं हायर साइड पर, और थोड़ा ज्यादा ही कर लेंगे तो अच्छा ही होगा, सेफ हो जाएंगे इंशाल्लाह। याद रखिए कि किसी को अगर 10 रोजे रखना था, उसने 20 रख लिया, तो 10 बाकी के क्या हो गए? नफिल हो गए ना, नफिल हो गए, हमारे काम आएंगे इंशाल्लाह। क्या हम दो नियत से एक रोजा रख सकते हैं? जैसे रमजान का रोजा, आशूरा का रोजा नहीं रख सकते। रमजान के रोजे फर्ज रोजे जो होते हैं ना, उनके साथ कंबाइन नहीं कर सकते। फर्ज रोजे में जैसे मैं आपको तीन टाइप के फर्ज रोजे बताता हूँ रमजान के रोजे, जो मन्नत के रोजे, किसी ने मन्नत की कि ये हुआ ना, इसे नजर कहते हैं, और मन्नत पूरा पूरी करनी चाहिए, किसी ने नियत की मेरा ये काम हो जाएगा ना, एक महीना रोजा रखूंगा, ये फर्ज हो गया उसको, हाँ फर्ज हो गया।
या कफारे के रोजे, पेनाल्टी के रोजे, वो भी फर्ज रोजों में से, फर्ज रोजे नफिल के साथ नियत कंबाइन नहीं होती। हाँ जी, अगला सवाल, अगर नेक्स्ट रमजान से पहले प्रीवियस रमजान के रोजे कवर नहीं है तो फिर क्या करें? अगले साल रमजान के रोजे रखें और जो कवर नहीं हुआ वो उसके आगे कवर करें इंशाल्लाह। बहुत साल के पेंडिंग हो तो बहुत साल के करिए इंशाल्लाह। और ऐसे किसी शख्स का एक दिन जाके इंतकाल हो गया, इंतकाल होने के बाद फिर उनके जो वारिस है वो उनकी प्रॉपर्टी से उसका फिदिया दे सकते हैं। या मान लो कि किसी के कई साल के रोजे, पांच साल के रोजे बाकी, कवर करो, सेहत है ना, कवर करो, रखो, सुस्ती मत करो, अल्लाह के लिए रोजा रखो। लेकिन ऐसा हुआ कि रोजा रख रहे हैं और फिर एक दिन आया, इतने बूढ़े हो गए कि अभी रोजा नहीं रख सकते, अभी भी तीन साल के बाकी रहे, अब बूढ़े हो गए हो ना, अब रोजा नहीं रख सकते ना, अभी फिदिया दे सकते, पहले से नहीं दे सकते फिदिया, अभी तुम बूढ़े हो गए या कब्र में पहुंच गए, इंतकाल हो गया, तो तीन साल के बाकी रह गए ना, वारिस साहब की विरासत तकसीम करने से पहले उतना फिदिया देंगे, अल्लाह का कर्जा है, हाँ फिदिया देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट, पिछले साल बीमार थी एक सिस्टर को, अभी तक उन्होंने पिछले रमजान के रोजे नहीं रखे, तो फिदिया में पैसे दे सकती है या फिर रोजा भी रख सकती है? देखो, बीमार में दो टाइप के बीमार होते हैं, टेम्पररी बीमार, उसको रोजे के बदले में रोजा ही रखना है, परमानेंट बीमार, ऐसे बीमार की शिफा की उम्मीद ना हो, उसके लिए फिदिया है, फिदिया नहीं है ऐसे, फिदिया सिर्फ सिलेक्ट लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है जी, ये बात का खास ख्याल रखें इंशाल्लाह। शव्वाल के रोजे के बाद क्या हम हैज से कजा रोजे रख सकते हैं? हाँ, पहले शव्वाल के रख लिए, फिर हैज के कजा के रोजे रखिए इंशाल्लाह। अगला सवाल, वे सीरियस सिकनेस इज ऑन गोइंग सच एज कैंसर, अल्लाह फॉरबिड, किडनी डिजीज, डायबिटीज, सिमिलर क्रॉनिक डिजीजेस, वेयर देयर इज नो होप ऑफ रिकवरी, दीस पीपल आर अलाउड नॉट टू फास्ट इन रमजान, शुड दीस पीपल गिव फिदिया? करेक्ट, ये लोग जो टर्मिनल सिकनेस है, जैसे आपने कुछ बीमारियां गिना दी, कैंसर हो या कुछ ऐसी टर्मिनल सिकनेस है जिससे रिकवरी की उम्मीद नहीं है और रोजा रख नहीं सकते, तो वो लोग क्या करेंगे इंशाल्लाह, रोजा वो लोग क्या करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, फिदिया देंगे। दूसरा सवाल पढ़ने लगा तो दिमाग एक ही है इंसान के पास। ओके, एक रोजे का फिदिया, एक रोजे का कितना फिदिया है? फिदिया जो है ना, एक गरीब को खाना खिलाना, गरीब को खाना खिलाना, अच्छी तरह से खाना खिलाना, जो लेवल का खाना आप खाते हो ना, वो लेवल का खाना खिलाना, एक गरीब को खाना खिलाना, और दो को करेंगे तो वो सवाब है और बेहतर है, लेकिन एक से भी फर्ज पूरा हो जाता है। तीन टाइम पे खिलाना, एक टाइम पे खिलाना, एक खाना, तीन टाइम का नहीं, एक टाइम का खाना, सो सिंपल, सिर्फ एक खाना। अनस बिन मालिक बुलाते हैं ना, 30 लोगों को बुलाया, खाना खिलाया, हो गया 30 रोजे। अच्छा, एक सवाल है कि हंड्रेड्स ऑफ रोजा स्पेंडिंग, हंड्रेड्स कैसे हो जाएंगे? सोचिए, हो सकते हैं कई साल के होना, तो हो सकते हैं, तो फिदिया दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। जितने हंड्रेड्स ऑफ रोजा बचे हैं ना, सब रोजे रखो। लेकिन रखते 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 एक दिन आया कि कोई आदमी बहुत बूढ़ा हो गया, अभी और नहीं रख सकता, तब फिदिया दे सकता है, या इंतकाल हो गया तो तब फिदिया दे सकता है। ये फतवा स्कॉलर से मैंने रिसर्च करके है, और मैं जो बता रहा हूँ ना, मेरी तरफ से नहीं है फतवा, आई एम नॉट क्वालिफाइड टू गिव फतवास, मैं स्कॉलर्स के फतवे आसान जुबान में आप तक पहुंचा सकता हूँ। हाँ, फिदिया में नॉन मुस्लिम को खाना खिला सकते हैं? नहीं, गरीब मुस्लिम को खाना खिलाएंगे। और कसम का कफारा कैसे अदा करें? कसम का कफारा, कसम का जो कफारा है ना, कसम का कफारा क्या है? कसम का कफारा ये है, चार ऑप्शन है, या तो गुलाम को आजाद करो, तुमने कसम खा, अल्लाह की कसम मैं ये करूंगा, अब कसम तोड़ रहे हो, गुलाम है, गुलाम आजाद करो, गुलाम नहीं है मेरे पास, तो क्या करो, छह लोगों को कपड़े दो, कपड़े, हाँ, और या तो छह गरीबों को खाना खिलाओ, तीन, छह गरीबों को खाना खिलाओ, छह, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सबसे टफ ऑप्शन पहले, गुलाम आजाद करो, या सॉरी यार, वन मिनट, छह नहीं, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, एक मिनट, अभी ये बिगनिंग में आया था, हाँ टेन है, टेन, दस को कपड़े दो या दस को खाना खिलाओ, दस याद रखेंगे, दस इंशाल्लाह, और ये तीनों ऑप्शन नहीं कर सकते तो तीन रोजा रखो, मतलब आप कपड़े भी नहीं दे सकते हो, खाना भी नहीं दे सकते हो, तो तीन दिन के रोजे रखो, रोजा फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, रोजा अगर तीनों नहीं कर सकते तो चौथा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। ओके, ये हदीस बुखारी में जो मैं बताया कफारे वाली, और बाय द वे एक मिनट रुकिए,
ये सूरह मायदा सूरह फा आयत नंबर 89 है, सूरह कुरान में है कफारा, कसम का कफारा। हाँ तो ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट। सदकतुल, जो लोग 3 महीने से रोजा के रोजे रखते हैं, हाँ, रजब, शाबान, रमदान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमदान के अलावा कोई और महीना पूरा रोजा नहीं रखते थे, कोई और महीना फुल महीना रोजा नहीं रखते थे। तो रमदान तो फर्ज है, बाकी शाबान में ज्यादा कसरत से रखिए, मुहर्रम में रखिए। अगर मान लो आपने वैसा कुछ हुआ है कि वो 2 महीना कंटिन्यूस रोजा रखने वाली कोई पेनल्टी है तो 2 महीना रखना पड़ेगा कंटिन्यूस, तो अलग बात है। बाकी ऐसे ही आप ऐसा करिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका सबसे अच्छा तरीका है, आपका नेकी का जज्बा है ना, तो आप वो करने की जगह क्यों ना ऐसा करते हो कि पीर और जुमेरात रखो, 13, 14, 15 तारीख रखो 3 दिन, हाँ, और शवाल में 6 रखो, ये ज्यादा बेहतर है, उससे ज्यादा ताकत है। तो अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल-आस ने पूछा था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक दिन रोजा रखो एक दिन छोड़ो, एक दिन रोजा रखो एक दिन छोड़ो, ये सबसे अच्छा, अच्छे, सबसे बेस्ट नफिल रोजे यही दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजे, दाऊद अलैहिस्सलाम ऐसा रोजा रखते थे, एक दिन रखते थे एक दिन नहीं रखते थे, एक दिन रखते थे अल्टरनेटिव, वो कर सकते हैं इंशाल्लाह। लेकिन ये जो सिस्टम और कल्चर है, ये खास तौर से, भाई मैं फला जगह पे गया था, उन्होंने कहा, फला दरगाह पे कहा कि 3 महीना कंटिन्यूस रोजा रखो, तो किसने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ऊपर है उनकी जगह पर, किसी और का फरमान क्यों। और कभी कभार नियत भी इसके अंदर ऐसी होती है कि मैं उनको खुश करने का कर रहा हूं, तो और ज्यादा रोजा अल्लाह के लिए है ना, और ज्यादा इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, ओके। ज़कातुल फित्र, ईद के 2 दिन पहले दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, लास्ट लास्ट के दिनों में 1-2 दिन पहले दे सकते हैं, हाँ, लेकिन ईद से पहले, ठीक है। एक मिनट, हाँ, मिस हो गया, अय्यामुल बैत, हाँ, अय्यामुल बीच के साथ रोजा आ जाए तो, अय्यामुल बैत, अय्यामुल बैत क्या है, अय्यामुल बैत आपने लिखा, अय्यामुल बैत के साथ रोजे आ जाए, आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आया, अय्यामुल बीच कहा जाता है, 13 अय्यामुल बीद होगा, हाँ, 7 नहीं हो तो 3 रोजे हैं, ओके, ठीक है। हर रोज फर्ज नमाज के बाद कजा नमाज भी पढ़ लेती हैं, एक बहन का सवाल है, क्योंकि हमारे हैज में जो नमाज मिस होती है उन दिनों की कजा कर लेती है। तो हम देखते हैं कि आयशा रदिल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि जो हायजा है, नो मरू बे कदाए सौम, हमें रोजे की कजा का हुक्म दिया गया था, वला नू मरु बे कदा सलाह, हमें नमाज की कजा का हुक्म नहीं दिया गया, तो नमाज के कजा का हुक्म नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर किसी की जानबूझ के नमाज भी छूटी है तो ये इबादत का टॉपिक है, इसमें हमें वैसे करना होगा जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफिल नमाज पढ़ने सिखाया और कहा कि फर्ज नमाज में जहां कमी होगी वहां नफिल नमाज काम आएगी, कि अल्लाह ताला ने फरमाया उनजुरू हल्ली अब्दी मिन ततवुइन, जाओ देखो मेरे बंदे के पास क्या ततवुआत है, क्या कुछ एक्स्ट्रा चीज इबादत है, तो फर्ज की कमी नफिल से पूरी की जाएगी। तो नफिल पर कर पढ़िया, हाँ, फर्ज की कजा मत करिए, नफिल करिए, नफिल पढ़िए, और नफिल से फर्ज में कमी आएगी तो नफिल पूरी करेगी इंशाल्लाह, हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट चीज। और जो नमाज कजाए उमरी जो लोग पढ़ते हैं ना, हकीकत में कुरान और हदीस में इसकी कोई दलील नहीं, उलमा इकराम ने इस बारे में बताया है कि ये एक ऐसी चीज है जो लोगों ने ईजाद किया है, नई चीज, तो हम नई चीज करें और कल वो जाके रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि नई चीजें सब रिजेक्ट हो जाएगी, दीन में सिर्फ साबित शुदा चीजें पढ़ी जाए, कबूल होगी, ओके इंशाल्लाह। एक सवाल है, तरावी 8 रकात होती है या होती है, जी हाँ, तरावी के अंदर जो मसनून जो है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी वो 11 रकातें पढ़ी, जिसके मतलब है 8 तरावी और 3 वितर, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद और नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस हदीस में फरमाया कि रात की नमाज 2-2, 2-2 रकातें हैं, मतना मतना, उसमें ये कहा कि अगर सुबह आने का अंदेशा हो तो फिर 1 वितर पढ़ ली जाए, तो सुबह आने का अंदेशा हो तो 1 वितर पढ़ ली जाए, उसमें ये नहीं कहा 11 से ज्यादा नहीं पढ़ना, तो 11 से ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि लंबे क़याम वाली 8 रकातें जो खुद ही पूरी रात हो गई उसके अंदर चली गई, यानी बड़ा लंबा जितनी ताकत थी सब चली गई,
तो वो बेहतर है बनिस्बत इसके कि बहुत सारी छोटी छोटी की जगह बड़ी बड़ी आंट रखाते हो, वो बेहतर है हाँ इंशाल्लाह। लेकिन अगर आंट पढ़ ली, आपका दिल और पढ़ने चाह रहा है, आप पढ़ सकते हैं। इसके कई दलायल हैं, एक दलील मैं बता चुका हूँ, दूसरी दलील एक सहाबी के बारे में भी आता है कि वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़कर सहाबी है या ताबई थे, मिस्टेक है मेरी, लेकिन दो में से कोई एक है, पढ़कर फिर अपने कबीले में जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़कर, मिस्टेक है, लेकिन वो पढ़कर आते और फिर अपने कबीले को नमाज पढ़ाते और वितर नहीं पढ़ते फिर से। और उन्होंने हदीस बयान की कि एक रात में दो वितर नहीं होते, तो वो हदीस जो बयान कर रहे हैं ये भी एक दलील में से दलील जी। लेकिन बाज़ उलमा यस इसके कायल हैं, जैसे शेख अल्बानी इसकी कायल है कि आठ से ज्यादा हो ही नहीं सकती, लेकिन जो शेख बिन बाज और दूसरे बहुत सारे उलमा का मौकिफ है कि आठ से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन आठ सुन्नत जी। लेकिन इस मसले पे दलायल शेयर करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। दलायल की रोशनी में उमर रदलाव ने जो हुक्म दिया था उबई बिन काब को और तमलीम अद्दारी को आठ रकात पढ़ाने का हुक्म दिया था, सही सनद से ये हाँ, इसके बारे में आप तहकीक करिए इंशाल्लाह। लेकिन आठ और बीस को ऐसे नहीं समझना चाहिए जैसे लोग बाज लोग इमोशनल होकर समझते हैं। हम अकेडमिक तौर पर देखिए, जो दलील की रोशनी में स्ट्रॉन्ग है वो करिए इंशाल्लाह हाँ इंशाल्लाह। क्योंकि हम इत्तबा पैरवी का जज्बा है, हम कोई डिफेंडर नहीं है, मैं अपने इमाम की बात नहीं छोड़ सकता, ऐसे नहीं, हम सब मुसलमान हैं, हमें कुरान हदीस पे चलना है। कोई भाई एक सुन्नत अगर मुझसे छूट गई तो नुकसान मेरा है, कल मीजान में तराजू में मेरे कुछ कमी आ जाएगी। अगर मैं आज बोलूँ मैं अपने इमाम की बात नहीं छोड़ूंगा और मुझसे वो सुन्नत छूट जाए तो फिर सब नुकसान तो मेरा ही है ना। अब क्या फ़ायदा ये झगड़े वगड़े कर जो क्यों करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। ठीक है, शाबान के रोज़े रखने का तरीका क्या है, जैसे नॉर्मल रोज़ा रखने का तरीका है, रखिए जब आपको रखना है, शाबान में कसरत से रखिए, पीर जुमेरात को ज़्यादा रखिए, 13, 14, 15 खास ख्याल रखिए, लेकिन बाकी कभी भी रख सकते हैं। सैटरडे वाला रोज़ा समझा नहीं, यानी सिर्फ सैटरडे मत रखिए, मना है, या तो फ्राइडे सैटरडे रखिए हाँ, या सैटरडे के साथ कोई और दिन अगर इजाफा कर रहे हैं तो भी रख सकते हैं, सिर्फ सैटरडे रखने मना किए गए। बाज़ लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है ना, तो हदीस आपके सामने आ गई। अयाम बीज के रोज़ों में जब सैटरडे आए तो क्या करना चाहिए, हाँ रखना चाहिए। 11, 12, 13 में भी सैटरडे आए तो रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, खाली सैटरडे मनाए, खाली फ्राइडे मनाए। ज़िलहिज्जा की 11, 12, 13 था वो, लेकिन ज़िलहिज्जा की 11, 12, 13 रोजा रखना हराम है, तो 13 नहीं रखेंगे रोजा, क्योंकि जो नॉर्मल आम कायदा है 13, 14, 15 और यहाँ पे 11, 12, 13 मनाए तो मना वाली चीज प्रेसिडेंस लेगी यहाँ पे, क्योंकि खास है, ज़िलहिज्जा की खास बात होगी, वो आम हर महीने की बात होगी। सूद के पैसों से गैर मुस्लिम को क्या गिफ्ट दे सकते हैं, गिफ्ट नहीं तो मदद करना कर सकते हैं, कुछ फायदा नहीं होना चाहिए, याद रखिए इस बात को। बाज लोग क्या ना सूद के पैसे से भी फायदा उठाते, कुछ ना कुछ वो फायदा नहीं रहना चाहिए हमारा उसको, कि भाई इससे मैं दूंगा फिर वो मेरा ये काम करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो दे दो उससे कुछ सवाब भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अल्लाह पाक है, सिर्फ पाक को कबूल करता है, बल्कि एक बहुत क्रेडिबल ओपिनियन है कि सूद के पैसे लिए ही ना जाए। अगर याद ही नहीं कि कितने साल के पेंडिंग रोजे हैं तो रखिए आप नफिल रोजे रखिए, वो फर्ज रोजे में कमी होगी तो नफिल रोजे पूरा कर लिए, लेकिन जनरल तौर पर एक अंदाजा भी करके आप कजा कर सकते हैं इंशाल्लाह। अगर हमारे पास आज 10,000 है तो उसकी ज़कात, ज़कात वर्कशॉप मेरा होने वाला है उसमें ये सवाल लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। या शेख किफायतुल्लाह अब्दुशकूर को मैं बता दूं आपको कि रोज रात 11 से 12 IPLS TV पे शेख किफायतुल्लाह सनाबिली और शेख अब्दुशकूर मन्नी लाइव बैठेंगे। आप IPLS TV के यूट्यूब चैनल पे जाइए, फोन नंबर पे कॉल करिए, आप लाइव सवाल पूछ सकते हैं लाइव हाँ इंशाल्लाह। अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं, आज से लेकर 10 दिन तक मेरा एक वर्कशॉप है इंशाल्लाह, जहनी परेशानियों का इलाज, 3 से 4 बजे तक IPLS TV पे लाइव, यानी अभी 3 बजे मैं लाइव आने वाला हूँ, आप फोन करके फोन पे बात कर सकते हैं। उसमें मकसद ये है कि किसी के भी परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, मैं कुरान हदीस की रोशनी में आपको उसका सलूशन बताने की कोशिश करूंगा। वक्त ज्यादा हो गया है, नमाज का टाइम भी है, और ये सवाल जो बचे हैं मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आप शेख किफायतुल्लाह सनाबिली और शेख अब्दुशकूर मन्नी को जरूर पूछिए, रोज रात 11 से 12 IPLS TV पे वो बैठे हैं, लाइव सवाल रिसीव करेंगे हाँ इंशाल्लाह। चलिए इसी के साथ हम खत्म करते हैं, अल्लाह ताला की तारीफ, अल्लाह कबूल करे हमारे हम सबके यहाँ जमा होने को, अल्लाह हम सबको एक खूबसूरत रमदान गुजारने की तौफीक दे, एक ऐसी रमदान जो हमारी जिंदगी में एक बहुत पॉजिटिव चेंज लाए, बहुत बड़ा सुधार पैदा कर दे, और हम सबको नेक रास्ते पे जिंदगी भर कायम रहकर खात्मा बिल खैर पाने के लिए तौफीक दे। आमीन 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 आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।